हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आज है संडे, 1 दिसंबर है, गीता जयंती का दिन है, 9वां, ठीक है। और 8 तक आपको कंटिन्यू कंटेंट मिल गया, पर आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको सिर्फ मेला दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले करण भाई कैसा है? और हाय करण, बढ़िया है भाई, सब कुछ ठीक है। और जसवंत सिंह जो कि रोहतक से है भाई, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी, कल या परसों, उसमें तेरा मैंने पहले ही नाम ले दिया था, तूने फिर 1 घंटे की पूरी वीडियो देखी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और उसके बाद नाम मैंने पहली वीडियो में लिया था, शायद गलत ले दिया होगा। उसके बाद विशु राजपूत भाई कैसा है भाई? तूने मुझे टिकटॉक पे फॉलो किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें जो भी मुझे यूट्यूबर है, जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइबर किया है इस चैनल पे, और जो मेरे टिकटॉक आईडी पे भी लिंक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार, मुझे वहाँ सपोर्ट करने के लिए। तो आज की मेले की भीड़ दिखा देते हैं। और कुछ शॉप है जैसे कि 535, 55, 53, तो जो वो शॉप भी कवर करेंगे, पर आज थोड़ा मुश्किल रहेगा। और हाँ, किसी भी शॉप पे मैं इंटरव्यू नहीं ले सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है। आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होगी। आज की भीड़ दिखाता हूँ सबसे, भीड़ देख सकते हो कि कितनी भीड़ है, आप भीड़ चेक कर सकते हो। आज बहुत भीड़ है, और आज कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है कि आज गाने नहीं चल रहे, आज भीड़ बहुत है, पर ठीक है। ये आप देख सकते हो, आज सारा मन की दिखाऊंगा मेला लंबा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, आज सड़क पे प्रदर्शनियाँ नहीं चल रही, पर नहीं भाई, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, आज थोड़ा भी वैसे ही बुक है, ठीक है। मतलब कि आप चेक कर सकते हो, भीड़ चेक कर सकते हो कितनी भीड़ है, ठीक है। ड्रोन शॉट कोशिश करूँगा, अगर ड्रोन कोई किसी पास हुआ तो मैं शॉट ले पाऊँगा ड्रोन का भी, तो आपको दिखा दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो, और हाँ, आज मुझे दिक्कत भी काफ़ी होने वाली है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करण को हाय बोल दिया, विशु राजपूत ने मुझे टिकटॉक पे फॉलो किया भाई, ने मुझे कमेंट भी किया था भाई, धन्यवाद तेरा बहुत बहुत। उसके बाद जसवंत सिंह जो कि रोहतक से है भाई, मैंने तेरा कल भी नाम, पहले कल पता नहीं परसों, जब भी कमेंट किया था उससे, नेक्स्ट डे में मैंने तेरा नाम ले लिया था, ठीक है। अगर तुझे नहीं पता चला उसके लिए सॉरी, या फिर मैंने गलत ले लिया उसके लिए सॉरी। और ये भीड़ देख सकते हो, खचाखच भीड़ है आज तो ये पूरी की पूरी भीड़ बड़ी हुई है। मतलब कि आप आज ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। तो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हो ये सारी भीड़ देख सकते हो कितनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चेक कर लो, ये लाइटिंग शो कल तक तैयार हो जाएगा, आज बस थोड़ा सा रह गया, ये लास्ट का रह गया। तो ये देख सकते हो भीड़ देख सकते हो, सारा बड़ा पड़ा है, और आज हमने ये सारा कवर करना है। और वीडियो मेरे हिसाब से 2.5 घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, ये आप चेक कर सकते हो। ये देखो कहाँ तक जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये लगभग आज सारा फुल हो रखा है, ये सारा का सारा भर रखा है, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम आगे जाएंगे, और अभी मैंने शॉप नंबर भूल गया कौन सी थी, और हाँ, आज भीड़ बहुत है, आज कई बदतमीज मिलेंगे, कई सिंसेयर मिलेंगे, कई समझे आएंगे कि हाँ अभी भाई अपना काम कर रहा है, और कई होंगे जो बदतमीज होंगे, जो खामखा टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है या कुछ कर रहा है, पर काम तो काम है, करना पड़ेगा। पर हाँ, किसी को समझा नहीं सकते, जिसने समझना उसने अपने आप समझ लेना। तो चलो अब हम भीड़ दिखाते हैं, और ट्राईपैड को मैं थोड़ा शोर कर लेता हूँ, फिलहाल मैं इसको थोड़ा बैक व्यू दिखाता हूँ, बैक व्यू कैसा है, अगर भीड़ में चलते तो आप कहाँ कहाँ फंस सकते हो, कहते कौन किस कैटेगरी में आता है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, और आगे फिलहाल मुझे जाना है, बहुत आगे जाना है, क्योंकि मुझे शॉप नंबर पहले मुझे 500, 365 है वो कवर करनी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, हम चाह रहे हैं आगे, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ चल रहा है, ठीक है। और डीजे पे मुझे लगता है आई थिंक कुछ सॉन्ग प्ले हो रहा है, अगर सॉन्ग प्ले हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी जो कल की वीडियो रहेगी उसमें मैं कवर करूँगा, जो एक नंबर शॉप से लेके सारी शॉप्स कवर करेंगे, सारी शॉप दिखाएंगे कौन कौन सी चीज़ की है, ठीक है। और शॉप नंबर तो आपको स्टार्टिंग से पता चल जाएगा, हर एक शॉप नंबर ऊपर कवर नहीं करूँगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, भीड़। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियर, वैसे तो आ रही होगी क्योंकि माइक मेरे एकदम पास में है, माइक मेरे, ठीक है। और बस अब हम फ्रंट कैमरा जा रहे हैं भाई, रजत भी आया, रजत थका हुआ है, नहीं तो रजत मेरे साथ ही चलता, ठीक है। पर इस भीड़ में रजत घूम भी हो सकता था, ठीक है। तो अब हम आगे जा रहे हैं, शॉप पे भीड़ लगी हुई है, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, तेज़ आगे जाएंगे, और शॉप नंबर 365 पहले कवर करेंगे, उसके बाद जो जैसे उधर शॉप्स बढ़ती जाएंगी, अब मैं जा रहा हूँ जो बढ़ रही हैं, जो इधर शॉप बढ़ती जाएगी। और आज बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, मतलब कि आज वीडियो में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, और वीडियो लंबी भी होने वाली है। लंबी क्यों होने वाली है, क्योंकि आज मुझे वहाँ उस एरिए परले एरिए में पहुँचने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा,
और आज की मतलब आपको संडे की पता होना चाहिए कि संडे को इतनी भीड़ होती है। मैंने पहले बताया था 1 तारीख को बहुत भीड़ होगी। लाइटिंग शो कल और या कल तक कल टेस्ट होगा और परसों से लाइटिंग शो शुरू हो जाएगा। 6:15 बजे लाइटिंग शो शुरू होगा और लाइटिंग शो में इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में चलेगा लाइटिंग शो, बल्कि एक बार हिंदी में चलेगा और एक बार इंग्लिश में चलेगा। और ये चलेगा आधा घंटा, मतलब कि आधा घंटा हिंदी में चलेगा और आधा घंटा या 15 मिनट का होगा और शो कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे एक बार इंग्लिश एक दिन के जो शो होंगे वो 3 से 4 होंगे, जो भी रहती है वो मैं आके आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। और आज डे हैगा 9, मतलब कि गीता जयंती का डे 9 है और डे दिसंबर का पहला महीना है, ठीक है, डे 1 है, ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, भीड़ भाई बहुत ज़्यादा। तो भीड़ में या तो मोबाइल पे कंसंट्रेट कर लो, या तो सामने देख लो, और सामने नहीं देखता तो मैं स्लो हो जाऊँगा। अगर मैं मोबाइल पे कंसंट्रेट करता हूँ तो कोई टकरा जाएगा। तो अभी हम बैक कैमरा और आप भीड़ देखो और हम आगे जाएंगे तेज जाएंगे, ठीक है। और आज तो बाकी अगर आप गीता जयंती में आए हो तो ऐसे मतलब कि बच्चे घूम होते रहते हैं, देख लेना कि आपका बच्चा ना घूम हो। तो गीता जयंती में बच्चों को संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो एक नंबर शॉप जो जहाँ पर मैंने आपको पहले दिखाया है वहाँ पर बता देते कि वहाँ पर बच्चा आ गया है, आप वहाँ जाके उसको कैरी कर सकते हो, ठीक है, अगर बच्चा गुम हो जाए तो, ठीक है। ये चीज़ बढ़िया और ये सारी जगह स्पीकर लगे हुए हैं, आप उनको सुन भी सकते हो, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं तेज, ठीक है। तो शॉप नंबर देख सकते हो, 134 नंबर शॉप पे पहुँचे हैं और हमने 300 नंबर शॉप पे पहुँचना है, ठीक है। और गीता जयंती मैं पूरी दिखाऊंगा, गीता जयंती लंबी होएगी, कोई चक्कर नहीं, चाल लाइन दो, ठीक है। और आज का कॉन्सेप्ट शायद आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो आज हम आगे जा रहे हैं और मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि आज स्कूल नहीं आए होंगे क्योंकि संडे वाले दिन स्कूल नहीं आए होंगे, अगर आए हुए तो मैं कवर कर दूँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इधर, और ये भाई पानी में जा रहा है और इधर लाइटिंग शो चल रहा है, ठीक है। और आज मैंने दिन में ही वीडियो बनानी थी, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं भीड़ से बाहर मैं इसलिए आ गया ताकि हम जल्दी जा सके। आप भीड़ का नज़ारा देख सकते हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आज स्कूल भी आए हुए हैं, ये कन्फर्म है, ठीक है। या तो ये बंक मार के आए हैं या तो ये स्कूल आए हुए हैं, बंक तो नहीं मार के आ पाएंगे ये, ठीक है, क्योंकि संडे वाले दिन तो वैसे स्कूल नहीं होता, तो स्कूल भी आए हुए हैं घूमने, ठीक है। छोटे बच्चे परेशान भी हो रहे हैं, गर्मी के कारण परेशान हो रहे हैं। अब हम आगे जा रहे हैं जल्दी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसका कुछ करना पड़ेगा, या तो फिर कट करनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है। बस आपको आज ऐसा लगेगा कि आप मेले में घूम रहे, ठीक है। और ट्राईपॉड को छोड़ के हम आगे पकड़ेंगे। और आज हुआ क्या है मेरे साथ, मैं पानी की बोतल जो है वो वहीं पे बुलाया, शॉप पे बुलाया, और आज मुझे प्यास ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ऐसा होता है जब पास में बोतल होती है तो प्यास नहीं लगती, जब होती है तो नहीं लगती, जब नहीं होती तो प्यास लगती है, ठीक है। जिस तरह इंस्टा नंबर शॉप देख सकते हो, ये मैंने कवर की हुई थी पहले, ठीक है। और एक मुझे कमेंट आया था 365 नंबर शॉप का कि भाई तू शॉप कवर कर तो ये 1K लाइक दबा देंगे। मुझे ये भाई अच्छा लगा ये कि हाँ भाई एटलीस्ट कहा तो सही है, अगले भाई ने कोशिश तो पूरी की। भाई अगर 1K लाइक नहीं भी मिलते मैं फिर भी तेरी वीडियो बना दूंगा, पर फिर भी थैंक यू यार इतना कहने के लिए। तो हम आगे जा रहे हैं और भीड़ बहुत है। तो फ्रेंड्स आप इंजॉय कर रहे हो गीता जयंती, कमेंट करके बता देना मुझे कर रहे हो, है ना। तो बाकी हम ट्राइपॉड में रखा हुआ है सारे ऐसे ग्रो AK PUBG के फैन, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और ये दिन में आया हूँ, रात में तो ये और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी, मतलब कि 4 बजे के बाद ना जो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, ठीक है। अभी शॉप्स का देख सकते हो, शॉप्स में भी भीड़ है, छोटे बच्चे सारे घूमने फिरने आए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और सूर्य एकदम आँखों में पड़ रहा है मुझे, ये घूम रहा है। मेला तो ऐसे देखा जाता है कंधे पर बैठ के, ठीक है ना। हो मुझे प्यास लग गई, अभी मैं हाफ भी नहीं क्रॉस किया और मुझे प्यास लग गई, ठीक है। और वीडियो लंबी है तो बीच में रोक लो। यहाँ पे चल रहा है कंपटीशन ड्राइंग का, ठीक है। इनका भी चैनल है ये आप देख सकते हो, वो ये चैनल का नाम लिखा हुआ है, ये चैनल का नाम लिखा हुआ है इनकी टी शर्ट पे। तो ये है वो भैया जिनका चैनल है, ठीक है। ये कंपटीशन चल रहा है, ड्राइंग का कंपटीशन और क्ले आर्ट का चल रहा है, ठीक है। जो बढ़िया करता है उसको साथ ही साथ में मेडल दिया जाता है, ठीक है। ये सरकार की तरफ से है, ठीक है। ये सर है यहाँ पे, अभी वो सर को भी दिखा देते हैं हम, और ये जो बच्चे बना रहे हैं उनका भी दिखाते हैं कि कैसा बना रहे हैं वो, ठीक है। तो गीता जयंती में सिर्फ मेला नहीं, बाकी बच्चों का भी रहता है। ये देख सकते हो कि ये क्ले से बना रहे हैं,
और अभी ये क्या बना रहे हैं? ये बटरफ्लाई बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हो? बटरफ्लाई और डोरा। डोरा हाँ, वो डोरीमोन वाला ना। हाँ जी, डोरा, डोरा द एक्सप्लोरर। अच्छा, ये को कार्टून है डोरा और ये बटरफ्लाई बना रहे हैं और साथ के साथ ये क्ले के साथ कर रहे हैं और वो ड्रैंग बना रहे हैं। ड्रैंग में वो क्या बना रहे हैं? कृष्ण भगवान जी की फोटो बना रहे हैं, बाल रूप में। हाँ, बाल रूप में बना रहे हैं। और ये आप क्या बना रहे हो? गुलाब का फूल। ये इधर लगे हुए हैं जोर शोर से बनाने बनाने, ये सारे जने लगे हुए हैं वो भी कुछ बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हो? कार्टून। कार्टून कौन सा? ये 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 कौन सा कार्टून बना रहे हैं? अच्छा, ये मिकी माउस बना रहे हैं, आई थिंक, दिख नहीं रहा। ये जो भी है वो जो जन्म से खाता है, ठीक है। इधर ये देख सको, ये कृष्ण भगवान जी बना रहे हैं। मैं पानी में ना चला जाऊँ, ठीक है। ये सारे बना रहे हैं बच्चे जो, ये आप चेक कर सकते हो, इनको साथ के साथ मेडल भी मिल रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो, इनको साथ के साथ बच्चों को मेडल भी मिलते हैं जो बढ़िया आर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी मोटिवेट के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये लगे हुए हैं। भैया आप क्या बना रहे हो? गौतम बुद्धा बनाने वाले हैं। आप कॉपी कर रहे हो? आप भी सेम बनाओगे? आप क्या बनाओगे? हैं, गणेश जी बनाने की ये प्रयास चल रहे हैं। बाकी ये इधर भगवान शिव जी की फोटो बना रहे हैं, ये देखे हूँ वो हूँ, ये देख सकते हैं। भाई एक बार शक्ल तो दिखा दे, ये लग रहा है तारे ज़मीन पे। ये बाकी मेले का आनंद ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। वो फूल बना रहे हैं गुलाब का, आई थिंक वो भाई भी कुछ बना रहे हैं। कई ने अभी स्टार्ट किया हुआ है और कई अभी डिसाइड कर रहे हैं बनाना क्या है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये साथ में वो, ये क्या बनाया है? कुत्ता बनाया हुआ है ये भाई ने, आप देख सकते हो। भैया फ़ोन उठाना ना, तो ये अभी कर रहे हैं, अभी पूछ पाछ लगानी रहती है। नहीं, पूछ तो लग चुकी है अभी, मतलब कि उसके दांत रहते हैं इसीलिए वो काटने के काबिल नहीं है। अभी बनाएंगे उसको काटने के काबिल। अभी ये जिनका चैनल है वो भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखा हुआ है, ये बना रहे हैं। ये भाई ने माइक बना लिया, ओ माई गॉड, भाई जीनियस। ये भाई बना रहा है माइक है क्या? भाई ने बहुत कुछ बना रखा है भाई की। भाई एक बार दिखाई, भाई मेरी पहली वीडियो में आ रखा है, ये दूसरी वीडियो में भाई जानवर बनाता है। पिछली बार जब मैंने बनाया था, इन्होंने ओम बनाया था, एक ओमकार बनाया था। हाँ, कुछ ऐसे बनाया था। ओ हाँ, पता। तो ये देखो इधर ये बेटे ने बना दिया, शाबाश। ये गणेश जी बनाए हुए हैं, अभी आंखों के ऊपर काम चल रहा है। और चूहा भी बनाया हुआ है, ये छोटा सा आप चेक कर सकते हो। ये चूहा, ये चेक करो, चूहा, ये छोटा सा चूहा, लड्डू मोदक, मतलब खाने पीने का जुगाड़ में सारा कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। ये भैया का चैनल है, ठीक है जी, आप चेक कर सकते हो, जिनका चैनल है। और चैनल के ऊपर फोकस कर देते हैं हम थोड़ा सा। ये इनका यूट्यूब चैनल है, जी एस आर्ट चैनल का, जी एस के आर्ट के साथ नाम से चैनल है, ठीक है। ये अभी कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये वाली फ़ोटो बनाने वाले हैं और जो इनके कलर्स हैं, ठीक है। तो इनका स्कूल भी है, ठीक है। और इनके स्कूल का कार्ड मैं मेंशन कर देता हूँ, ये इनका स्कूल का कार्ड है, एड्रेस है, ये आप चेक कर सकते हो, दिख रहा है वो। ये आप देख सकते हो, कुरुक्षेत्र में अगर किसी ने संपर्क करना, फोकस नहीं कर पा रहा, अब फोकस करेगा। अगर किसी ने संपर्क करना है, इनको मिल सकते हैं, ठीक है। इनके ये कैसे आर्ट्स बनाते हैं, ये सर आपको मिलेंगे। सर अपना नाम बताना एक बार, नीचे मैं, ठीक है। तो सर अपना एड्रेस भी बता देना। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम गगनदीप सिंह है और मैं गगन एकेडमी ऑफ आर्ट्स को रन कर रहा हूँ कुरुक्षेत्रा में। जो हमारा यहाँ पे स्केचिंग कंपटीशन है, तो यहाँ पे मैंने बच्चों को लाइव शो रखे हुए हैं यहाँ पे, और आप जीपीएस आर्ट चैनल पे भी इसको देख सकते हैं और सर के चैनल पे भी आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम जितने भी हमारे पास आर्ट के बच्चे टैलेंट, जो टैलेंट होता है उसको निखारने का हम काम करते हैं। एवरी ईयर हम गीता जयंती पे इस स्टॉल पे काम करते हैं और अब की बार हमने लाइव परफॉर्मेंस बच्चों को कैनवस पे लाइव पेंटिंग करके दिखाया है। और बच्चों का एक बार व्यू देख सकते हैं आप, कितना बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं हमारे इस स्टॉल पे। बहुत भीड़ लगी हुई है और साथ के साथ अभी देखिए पीछे अभी मेडल मिला है पीछे हमारे स्टॉल पे। और ऐसे ही हम लाइव बच्चों को, जितने भी स्केचिंग बच्चे कर रहे हैं उसको हम लाइव करके और उसको मेडल से सम्मानित कर रहे हैं। लगा हुआ है ड्राइंग आर्ट का मेला लगा हुआ है, साथ के साथ मेडल मिल जाते हैं, जो कि ड्राइंग और क्ले का दोनों का है। जो देख सकते हो कि ये सारे पीछे लगे हुए हैं, पीछे बच्चे बनाने लगे हुए हैं और मैं खड़ा कहाँ हूँ? चेक करो, मैं कहाँ खड़ा हूँ? मेरे एक सेकंड में मैं नीचे जा सकता हूँ, मतलब कि नीचे जा सकता हूँ, इतने एकदम कन्ने में खड़ा हुआ हूँ। और पीछे वो मैंने बताया था ना कि आज बदतमीज भी कैसे होंगे, तो कई मेरे चैनल से बुला रहे हैं कि स्विमिंग बनी ओए 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 करके बता रहे हैं। तो कई सर बुला लेते हैं, कई भैया बुला लेते हैं, भैया बुलाना सबसे बेस्ट रहता है मुझे,
आई लाइक, ठीक है। बहुत ज़्यादा आवाज़ मार रहा था भाई, अब बोलने कुछ बोलना है, अब तेरे पे फोकस है, उसने कुछ नहीं बोलना, तूने तूने बोलना जो बोल ले। तो वह पहले दिखा दिया। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़े होने की लड़का, क्या क्या नाम बताया था भाई अपना? विशाल, यश, यश भाई ने नाम बताया था। बहुत अच्छी ड्राइंग करता है ये, कुरुक्षेत्र से ही है, ठीक है। बाकी ये बना रहे हैं, ये सर अभी ड्राइंग कर रहे हैं, ये छोटे से बच्चे ने भी कुछ बनाया और इसको मेडल मिला, ठीक है ना। तो ये आप चेक कर सकते हो। तो अभी हम चलेंगे आगे। क्या तो उधर कैसे जाएगा, ये पार कैसे करेगा तू? पानी है। बोल, कोई चक्कर नहीं, यही हम थोड़ी सी स्विमिंग करेंगे पार हो जाएंगे, लॉन्ग जंप मारेगा। तो सर कर रहे हैं आर्ट, ठीक है। अगर आपने किसी ने ड्राइंग सीखनी है तो इनका खुद का स्कूल है, स्कूल कहते हैं क्या, एकेडमी, एकेडमी है। तो एकेडमी के मैंने कार्ड अभी मेंशन कर दिया, देख लिया। तो चलो अब आगे चलते हैं। ये कृष्ण भगवान जी की मूर्ति बना रहे हैं और ये वाली बनाने वाले हैं, सेम टू सेम। जब वापस आएंगे तो ये बन जाएगी। और मुझे लग रहा है कि मेरी बैटरी ना खत्म हो जाए, मेरा बैग वहाँ पड़ा है, मुझे डबल गेट मारना पड़ेगा। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। तो अब हम आगे जा रहे हैं, तो हम आगे जा रहे हैं आप जी। हमने पानी क्रॉस कर लिया, मैं उस जहाँ चेयर पड़ी है उस शिखर पे मैं खड़ा हुआ था। तो अब हम आगे जा रहे हैं, अभी स्टार्ट किया भाई, बनाएगा क्या अभी देख लेते हैं हम इसके फ़ोन में। ये कुछ बनाएगा क्या, दिख नहीं रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अच्छा, ऐसे कैसे बनाएगा ये, दिखा ही नहीं। भाई ने लोक लगा रखा है इसमें, ये महात्मा गांधी जी की फ़ोटो बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये चक्को भाई, भाई ये गुलाब का फूल बना लिया भाई ने क्ले से, भाई को मेडल मिला। आ चको कछुआ, कछुआ ये कछुआ आपको मैंने पहले भी दिखा रखा है, ये मेडल मिलता है। और इसमें कुछ टास्क भी है, ये बहुत बढ़िया बढ़िया लगे रहो। चलो ये भाई का, अभिषेक गुप्ता का भाई का भी चैनल है। क्या 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 चैनल का नाम है? चैनल ट्रैवल फ्लू, ट्रैवल जिसके अंदर आपको ट्रैवल सारी स्टोरीज मिलेगी। आपको कहाँ घूमने जाना है, कैसे कैसे घूमने जाना है, कम टाइम में आप ज्यादा जगह कैसे घूम सकते हो, घूमना कैसे, ये तो बता दिया। घूमना किस में जाइए, टूर जैसे मर्जी बनाओ। अच्छा। मनाली, गोवा, तो भाई अगर पुणे, अगर आपने किसी जगह का टूर पता करना तो भाई के चैनल पे जाके आप देख सकते हो। वेबसाइट भी, इंस्टाग्राम पे सारी जगह आई है। हाँ, तो आजकल आज गीता जयंती में, थैंक यू भाई, तो आज गीता जयंती में बहुत जने आए होंगे, खासकर यूट्यूबर भी बहुत होंगे और टिकटॉकर भी बहुत होंगे। जैसे कि मैं हूँ, मुझे कोई फॉलो नहीं करता, वो बात अलग है, पर मेरे सब्सक्राइब फॉलोवर कितने हैं मानोगे आप? 80 फॉलोवर है, नहीं 89 फॉलोवर है। विशाल ने, विशु पता नहीं, विशाल ने मुझे फॉलो किया था, तब 89 हुए थे, नहीं तो 88 थे। तो भाई कहीं बीच में चले जाते हैं, कहीं आ जाते हैं। तो अब हम आगे जा रहे हैं, आगे इधर भी आज भीड़ लगी हुई है, इस साइड आज इस साइड भी भीड़ लगी हुई है। और जहाँ पे है रोबोटिक्स, मतलब कि लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है रोबोटिक्स का बच्चों के लिए। तो ये मैंने कल भी दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे अब हम, ठीक है। अभी शॉप नंबर भी कवर करनी है, अभी तो पता नहीं वीडियो कितनी लंबी होगी होगी, ठीक है। अभी आप देख सकते हो भीड़ खच खच बढ़ी हुई है, ठीक है। कई बैठ के आनंद ले रहे हैं, कई झूले झूले बेच रहे हैं, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं तेज तेज, और ये छोटे छोटे बच्चे भी गीता जयंती देखने आए हैं। और तो ये आप चेक कर लो, अब हम आगे जाएंगे। और ये स्कूल भी आए हुए हैं, ये कौन सा स्कूल है भाई? स्कूल ए आर कौन सा, कहाँ से? सिरसल। ये कहाँ पर पढ़ता है? कैथल करनाल, कुरुक्षेत्र, कहाँ पे? कैथल में पड़ता है, मतलब कि मैं, मतलब कि देखो तुक्का भी मारा सही मारा, कैथल में पड़ता है, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो। तो हम आगे जा रहे हैं, आगे तो जा रहे हैं, पर ये ई रिक्शा, ये ई रिक्शा, अगर कोई बुजुर्ग है तो वो ई रिक्शा है भाई, तेरा ही आ रहा है भाई, कह रहा मेरा भी तो घर भाई का ही आ रहा है। तो ये ई रिक्शा चल रहा है, अगर आप एक नंबर गेट से पोस्ट करो बुजुर्ग हो तो। भाई तू ही चल रहा है? नहीं 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 नहीं, मैंने पैदल सारा शूट करना है। भाई ने ऑफर दे दिया कि मुझे बैठ जा, पहले भाई बोला मुझे भी कवर कर, पर बैक कैमरा ही चल रहा था, वो उसको नहीं पता था। तो ऑफर दिया, शुक्रिया ऑफर दिया, पर हमने जाना है पैदल। पैदल जाएंगे तभी तो आप फील कर पाओगे गीता जयंती पूरी अच्छे से, ठीक है। आज बहुत भीड़ है, आज होगा क्या, मतलब कि आज एक एक पैर रखने के लिए बड़ी भीड़ हो रही है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं आगे, और कई ये स्कूल है, स्कूल कौन सा था मैंने पूछा नहीं, और स्कूल के बच्चे सारे इधर उधर घूम रहे हैं, सारे एक साथ नहीं है, अगर एक साथ स्कूल हुए तो बहुत हो जाएंगे। अब हमको दिखाएंगे भीड़ वाली, भीड़ जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ दिखाएंगे, मतलब कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैं थड़े पे जाके दिखाऊंगा, मतलब ये थड़ा है इसके ऊपर जाके फिर आपको दिखाऊंगा बैक का वेदर कैसा है, ठीक है। चलो थड़ पर जा रहे हैं, ये बाइक के हाथ में कैमरा है, ये भी बाइक का यूट्यूब का चैनल होगा या यूट्यूब का चैनल, ये वैसे ब्लॉगिंग करता होगा पर होगा तो जरूर कुछ ना कुछ, बस अपा अकेले काम करते हैं। ये चेक कर लो भीड़, ठीक है। अरे यार ये चेक कर लो भीड़ कितनी है, ठीक है, आन खचा खच भीड़ पड़ी हुई है। ये ई रिक्शा बहुत भीड़ है,
और अभी तो ये आप चेक कर सकते हो, ओवरऑल जो सारी मैंने वहाँ आपको भीड़ पहले दिखा दी थी, अभी ये पूरी भीड़ इधर हो रखी है, इधर फोटो खींच रहे हैं और मैं बीच में आ गया। मेरी गलती, मैं बीच में आ गया, पर मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं देख अपना चैनल पर काम कर रहा था। ठीक है, इधर से आप देख सकते हो, ये आप नुक्कड़ तक देख सकते हो कितनी भीड़ है। ठीक है, और इधर से दिखा देता हूँ आपको, इधर ये चेक कर लो कहाँ तक भीड़ है। लग रहा है कि कहीं पैर रख सकते हो आप, क्योंकि फिर भी आपको सकते हो के आना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत भीड़ है। ठीक है, अभी मैं ब्लॉक के ऊपर चढ़ाऊँ, ये ब्लॉक सकते हो, ये मैं ब्लॉक के ऊपर चढ़ाऊँ, ये ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर चढ़ाऊँ। ठीक है, ओ ये भाई लगा हुआ पीपनी, जो मेले में पीपनी चलती है, इधर फोटो सेशन हो रहा है, तो मैं बैक कैमरा चलाता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि फोटो सेशन खींच रहे हैं, कि यहाँ ऊपर सड़े पे आके थोड़ा अपने आप को ऑक्सीजन ले रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि हाँ भी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी यहाँ लगता है अंदर चल चल के गर्मी लगती है, क्योंकि आज ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से गर्मी भी लग रही है। ठीक है, मतलब कि बाहर देखा जाए तो ठंड लगेगी और यहाँ पर आपको गर्मी लगेगी। क्यों भाई वीडियो बना रहे हो? भाई वीडियो बना रहे हो? तो फ्रेंड्स बाई स्टैंड मांग रहा है, स्टैंड मैं नहीं दे सकता था क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आप चेक कर सकते हो, पीछे बड़ा सुंदर वाला जबरदस्त वाला नज़ारा है। ठीक है, और अब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं, और क्या होता है कि अब तेरे पे फोकस आगे आगे, अब मैं तेरे पे कैमरा चला रहा हूँ, पहले मेरे पीछे आ रहा था, वैसे बोल देता मैं, अब तेरे पे कैमरा है, कुछ बोल रहा है बोल ले। आपको कैसे लग रहा है? चलो लो नहीं जा रहे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो बैक कैमरा मैंने चला दिया है। ठीक है, ये रेस्ट कर रहे हैं आराम से। ठीक है, और अब हम जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं, और भीड़ में जाना है, अभी मुझे शॉप नंबर भी कवर करनी है। तो आज की वीडियो तो लंबी होनी है, आज ना चाहते हुए भी वीडियो लंबी होनी है, पर एक चीज़ बता दूं कि आज की वीडियो में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में सुनना नहीं पड़ेगा कि गाने चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि आज गाने नहीं चलेगा। ये नेशनल के प्लेयर, स्विमर प्लेयर है अपने, ये आप चेक कर सकते हो, ये अपने कवर करने अपने नेशनल के प्लेयर, अभी ये पंजाब यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ओ माय गॉड फैन मिल गए, दोस्त मिल गए, ओहो जहर वाले। ये है लड़का नेशनल स्विमर। ठीक है, और क्या कहते हैं मैं भूल गया कहते क्या, ये द्रोणाचार्य स्टेडियम स्विमिंग पूल में इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे, मतलब कि मैं नहीं करता था, ये प्रैक्टिस करता था, हम तो बस इनका टाइम नोट करते थे कि कौन कितना टाइम दे रहा है। ठीक है, और कैसी चल रही है स्टडी, कैसी चल रही है? बढ़िया भाई, कैसा है? बढ़िया सब, चल। तो ये आप हम आगे जा रहे हैं, जितिन इसका नाम था। ठीक है, जितिन था, जितिन और एक और था, जितिन नहीं इसका नाम था लोकप्रिय, लोकप्रिय ये इसका नाम लोकप्रिय था, जितिन है, वो भी अच्छी स्विमिंग करता है। और अभी हम आगे जा रहे हैं, हमें दो काम करने हैं, एक तो हल्के होना है, दूसरी बात कि थोड़ा पानी पीना है। तो पहले पानी पिया जाएगा, फिर हल्का होएंगे। ठीक है, और वॉशरूम पता नहीं कहाँ है, आज तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, और हम आगे टक 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 करके आगे जा रहे हैं। और बस ये है कि आप वेदर देख सकते, अब मैंने ऊपर कर दिया, और स्टैंड में ट्राइपॉड ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, अभी थोड़ा बहुत खुला है, इस साइड थोड़ी कम भीड़ है। ठीक है, हाँ जी सर, कैसे सर? और ठीक हो? बढ़िया एकदम, आप सुनाओ। तो ये आप देख सकते हो, ये आगे सर हमारे साथ, तो ये आप चेक कर सकते हो, हम ओवरऑल गीता जयंती देख रहे हैं। ठीक है, और गीता जयंती तो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, पर हमने कुछ हमारे कमेंट है वो भी कवर करने हैं, जैसे कि दो कमेंट कवर कर दिए, करण भाई को हाय बोल दिया था, और जसविंदर भाई का डाउट मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, और क्या था बाकी, शॉप्स नंबर है वो हम अभी कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और पर आज की वीडियो लंबी क्यों होगी, क्योंकि आज बहुत भीड़ है, और आगे जो जा रहा है मैंने कट नहीं किया, स्किप नहीं किया, कहीं पे भी हमें दिख नहीं रही, शोर चाले यहाँ पीछे कहीं होगी, तो आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जाना ही पड़ेगा आगे। ठीक है, अभी आगे गाने चल रहे हैं, इस साइड डीजे चल रहे हैं, और उस साइड मुझे बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाना पड़ेगा, वहाँ पर डीजे चल रहे हैं, अभी बंद हो गए, वैसे अभी इतने शोर में उनकी आवाज़ कवर तो नहीं होगी, पर फिर भी कोशिश करूँगा कि ना पीछे आवाज़ ना आए, और अगर आवाज़ आ गई तो कॉपीराइट स्ट्राइक। अभी बैक कैमरा चलाते हैं, आगे जा रहे हैं और बैक कैमरा चल रहा है, ये हेयर बैंड अच्छे लग रहे हैं, और ये ब्लैक के साथ स्विमिंग बाय मनी भाई। तो हम आगे जा रहे हैं, शॉप देख सकते हो, शॉपिंग इज 72। ठीक है, और आगे जा रहे हैं, एक बार मुझे लगता है मुझे कमेंट देख लेनी चाहिए कि कौन सा मुझे कमेंट आया था,
एक बार कमेंट में नज़र मारूँ कहीं शॉप आगे ना निकल जाए। ये भाई उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो शॉप्स लगी हुई है, ठीक है। देख सकती है गोरे चिट्टे पीले हरे मिल रहे हैं, ठीक है। हम आगे भी जा रहे हैं, खचाखच हम आगे जाते रहेंगे और हम और जल्दी आगे जाएंगे, जागे जाएंगे, आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, 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 जाएंगे। फ्रेंड्स प्यास लग गई, बताओ अब क्या किया जाए। डीजे वाला डीजे नहीं बंद करेगा पर प्यास तो जरूर लग गई, ठीक है। ये शॉप नंबर 80 परसों में लेडीज़ की भीड़ लग गया। 250 रुपये प्राइस, फिक्स प्राइस 250 रुपये पर्स है। 281 नंबर शॉप है, चलो आगे चलो। 365 नंबर शॉप पे, ठीक है। ये हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं आगे क्योंकि हमने 300 ही चेक कर सकते हो। हाँ, कई वीडियो बना रहे हैं जो ऐसे फोकस करके बना रहे हैं, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना फोकस करके बना पाएँ क्योंकि हमारी वीडियो पहले ही एक घंटे की हो जाती है। तो ये चेक कर सकते हो, 6000 की मूवी, ये मूर्ति 6000 की है। तो ये आपने आप एस्टिमेट लगा सकते हो, प्राइस जो टैग इस पर लिखा नहीं। ये देख सकते हो बहुत बढ़िया बढ़िया है। शॉप नंबर 286 है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे हम जल्दी जल्दी। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारी आप चेक कर सकते हो। हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। पर दिक्कत क्या आती है जब हम आगे जा रहे हैं तो हम मैं मतलब क्या करूँ, शॉप पे फोकस करूँ या आगे करूँ। अगर मैं शॉप पे फोकस करता हूँ तो मेरे आगे कोई आ जाता है, अगर मैं आगे फोकस करता हूँ तो शॉप निकल जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जस्ट करके वीडियो जैसे मर्जी बना दूँ, बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट दे दूँ। पर इधर डीजे चल रहा है, इधर बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाना पड़ेगा मुझे लगता है। आप देख सकते हो भीड़ लगी हुई है। इधर सफाई अभियान भी साथ के साथ चल रहा है, यानी कि सफाई नहीं होगी गंद हो जाएगा। तो इधर चेक कर सकते हो 303 नंबर शॉप, जो कि मैंने पहले भी कवर की हुई है ना। 303 नंबर शॉप कैसे हो गया। तो ये आप देख सकते हो हम आगे जा रहे हैं और इधर गाने चल रहे हैं। यार गाने चल रहे हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं, गीता जयंती सारे देखने आए हैं, छोटे छोटे बच्चे देखने आए हैं, ठीक है। सॉरी भीड़ इधर थोड़ी भीड़ कम है, उस साइड ज़्यादा भीड़ है और इधर गाने चल रहे हैं। तो क्या करें, अभी गाने की आवाज़ नहीं आ रही होगी, बस डुम 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 की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि डीजे की आवाज़ कम है। तो हम आगे ही जा रहे हैं और आगे जाते रहेंगे। हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें बेफिक्र रहो, ठीक है। अपना कंटेंट आपको मिलेगा मिलेगा और जल्दी जल्दी जाना हमने आगे, ठीक है। तो वो परे वहाँ पे लग रहे हैं गाने, ठीक है। मैट, ठीक है। 365 नंबर पर, 72 नंबर शॉप थी, 365 नंबर शॉप थी। अभी तो हम आगे जा रहे हैं। इधर देखो कितना नज़ारा बढ़िया है। आज संडे है, जिन्होंने मेला देखना है आज आ सकते हैं क्योंकि आज संडे सबको छुट्टी भी होती है। मैंने पहले बताया था कि संडे को बहुत भीड़ होगी, तो हम आगे जा रहे हैं। मैंने पहले बताया कि संडे वाले दिन बहुत भीड़ होगी, तो आज बहुत भीड़ है, मैंने बताया था, इसीलिए भीड़ है। नहीं तो नहीं भीड़ होनी थी संडे वाले, ऑब्वियसली आज भीड़ ज़्यादा होगी। भीड़ का रीज़न क्या है कि आज सारे फ्री है, जिनको छुट्टी है छुट्टी है। तो ये बाल साले हेलमेट ने मेरे खड़े कर रखे हैं, ये बाल सही हो ही नहीं रहे, सारे बाल खड़े भी नहीं होते और ये भी नहीं होते। मैं फिलहाल तो गंजा रहता हूँ, पता है ना आपको। तो ये आप देख सकते हो कुछ नज़ारा ऐसा है, ठीक है। कई जगह बिल्कुल ही खाली है, कई जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ पर खाली है, हल्का राहत है, राहत। अभी अभी है ना, मैं बैक कैमरा चलाता हूँ जहाँ आप ज़्यादा बढ़िया फील कर सको, ठीक है। बाकी वीडियो ये कैसी लगी मुझे बताना। संडे वाले दिन सिर्फ आपको मेला ही दिखा रहा हूँ और बाकी जो कमेंट है वो भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हाँ, लास्ट तक देखना, फ्लोर पेंटिंग मैं आपको दिखाऊंगा, वो पूरी की पूरी फ्लोर पेंटिंग दिखाऊंगा। आज पूरी कवर हो चुकी है, पूरी बन चुकी है, आज कैसी लगती है वो सारी दिखाऊंगा, ठीक है ना। फ्लोर पेंटिंग कैसी लगती है, फ्लोर पेंटिंग। छोटे छोटे बच्चे भी घूमने आए हैं, तो चलो आप बैक कैमरा चला, कैमरा चला दिया है, ठीक है। और ये बबल्स उड़ रहे हैं छोटे छोटे, जो शायद आपको दिख नहीं रहेगा, छोटा बच्चा है। तो फ्रेंड्स ये अचार की शॉप चेक कर सकते हो। ये हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं जहाँ भीड़ लगी हुई है, खचाखच खचाखच भीड़ लगी हुई है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं देखने, सारे आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ देखो शॉप, ऐसे फोकस करूँ क्या, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, शॉप्स पे भीड़ भी लगी हुई है, कई जगह बहुत भीड़ है, कई जगह थोड़ी कम भीड़ है, पर हाँ काम चल रहा है सारी जगह। ये आप देख सकते हो शॉप, ठीक है। ये भाई की रिंग बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसने किसी ने की रिंग बनाना है तो वो बनवा सकते हैं अपना, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि की रिंग नहीं बनेगा, ठीक है। की रिंग बनवा सकते हो। और हमें जाना है 365 नंबर शॉप पे, 65 पे, पता नहीं 375 पे जाना है। तो अभी भीड़ बहुत है, ठीक है। इसलिए हमने ट्राइपॉड ऊपर कर लिया, जिसके कारण मैक मेरे पास ही है, ठीक है ना। आगे गाने डीजे चल रहे हैं वहाँ पे, तो डीजे बंद ही कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि वैसे भी हर कोई अपनी बातों में मसरूफ़ है, गाने सुनने में कौन मसरूफ़ है।
गाने चलाओ बस, मेरे टाइम में ना चलाओ गाने, वैसे बढ़िया लगता है डीजे में मतलब चलते हो ना, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप शॉप्स, हम आगे जा रहे हैं, आगे चलते हुए हम तेज तेज आगे चलते हुए, ठीक है, और तेज आगे चलते हुए हम आगे जा रहे हैं, आगे चलते हुए गुम हो गए, ये गुम हो गए। 10 रुपये सेल, खजा खज भीड़, 10 रुपये सेल। शॉप नंबर है गया 49 शॉप नंबर है, 349 शॉप नंबर है, ठीक है। हम आगे जा रहे हैं, अभी मुझे ना कहीं जाना भी है, आप याद है ना हमने आगे भी जाना है, ये कहीं जाना है आपको पता है, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। गाने वाला गाने ना चलाए, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बंद कर दे। तो ये आप देखते भीड़, खाने पीने पे ज़्यादा भीड़ है, ये क्या है जी? अच्छा पर्चियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, यहाँ पे पर्चियाँ मिल रही हैं, और यहाँ भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है अभी ना, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। हमने अभी तक एक काम नहीं किया, दो काम करने थे हमने, ठीक है। अब बैक कैमरा चलाते हैं। मैं एक काम करना था जो मेरा पर्सनली काम था, ठीक है, वो क्या था ये आप देख सकते हो, शौचालय जाना, इसके बाद मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा और मुझे प्यास लगी हुई है, और अभी हम यहाँ जा रहे हैं और अभी आते हैं। तो फ्रेंड्स हम वापस आ गए, तो चलो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ, यहाँ मेल फीमेल दोनों है, पुरुष इधर है, फीमेल परली साइड है, तो अब हम आगे जा रहे हैं और इधर मैट मुट देख सकते हो, और अब मैं थोड़ा फ्री माइंड हूँ। एक काम हो गया, अब हम अगला काम करेंगे, आपको भीड़ दिखाएंगे द्वारती, और यहाँ डांस चल रहा है वो भी दिखाऊंगा, पर कोशिश करूँगा कि आवाज ना आए, ठीक है। और हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं। और बाकी ओवरऑल मेरी वीडियो को काफ़ी जने सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको अच्छी लग रही है, जिनको अच्छी लग रही है मैं कमेंट करके बता देना। और चलो अब मैं दिखाता हूँ डांस, आपको डांस दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड चल रहा है डांस, ठीक है। अब अभी गाना डुम 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 आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो फॉरेन डांस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इधर आप देख सकते हो वेदर कुछ ऐसा है, ये यहाँ गर्ल्स खड़ी हुई हैं, अपना ये स्कूल आई थिंक ये स्कूल है, ठीक है। और गाना सिर्फ डुम डुम बज रहा है, और इधर पार्टी चल रही है, ठीक है। ये आए हुए हैं अपना, मतलब कि ये पिकनिक जो है सही है, सबसे बेस्ट ये है, ठीक है। उसके बाद आप वेदर चेक कर सकते हो, ये स्कूल होगा, स्कूल पूछ लेते हैं, ये स्कूल है कॉलेज है क्या है ये पूछ लेते हैं। ये स्कूल के बच्चे हैं सारे, कौन सा स्कूल, कहाँ पे, दिल्ली में ये स्कूल है, ये सारे बच्चे दिल्ली के बच्चे हैं, और ठीक है ठीक है थे, और देहरा पब्लिक स्कूल के थे गवर्नमेंट के। और ये आप पीछे वेदर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और इधर फोटो सेशन हो रहा है, ये फोटो सेशन कर रहे हैं, बढ़िया ये फोटो सेशन कर रहे हैं, ठीक है। पर इधर बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ी भीड़ दिखा देता हूँ, मेला दिखा देता हूँ आपको, ये बोल रहे हैं कुछ, ये बांट भी रहे हैं, ठीक है। मैम 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 मैम, अरे वो बाज नहीं सुन रहे, मैं दिखाता आपको पेज भी को क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने मुझे पेज नहीं दिया तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ये बस वो बता रहे कि आप अपने योगा करनी है जो भी है, मतलब कि भगवान से कैसे लिंक करें, ठीक है। फिलहाल आप भीड़ देखो, मैंने मैम से पेपर मंगा, पेपर मैम ने दिया नहीं क्योंकि मैम को सुना नहीं, ठीक है। तो ये पापड़ देख लो आप, ये चक भाई पापड़ लगा हुआ है जोरों शोरों से बेचने, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो चेक कर लो भीड़ कितनी है, ठीक है। अभी हमने करनी है 365 नंबर शॉप, ठीक है, वो ये वाली शॉप, ठीक है, ये वाली शॉप हमने कवर करनी है। तो चलो कहीं शॉप नंबर 365, ये इसका कमेंट आया था भाई कि तुम मेरी शॉप की वीडियो बना दो, मैं 1K लाइक करवा दूंगा। तो ये भाई लगे हुए हैं, आई डोंट नो किसने कमेंट किया किसने नहीं किया, ये भाई हो गया खुश। तो ये 150 रुपये सेल है, ठीक है। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हो सारी, ये आई थिंक भाई ने कमेंट किया हुआ, आई डोंट नो, पर क्या फ़र्क पड़ता है, भाई ने कहा कि तू वीडियो बना, 1K लाइक मिल जाएंगे, ठीक है। पर वो तो सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये 365 इसका कमेंट आया था भाई ने, मुझे लगता है कमेंट किया, भाई ने ही कमेंट किया, भाई इतना मुस्करा रहा है, ओ माय गॉड, यार यार भाई एक बार ऐसे कर दे भाई, हेलो ऐसे कर दे फिर एक बार, ओ माय गॉड भाई जहर। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे बीच में डीजे लगे थे, गाने चल रहे थे, और भाई ने कमेंट किया था कि भाई 365 नंबर शॉप पे वीडियो बनाना, आपके हजार लाइक करवा दूंगा, और बाकी एकदम खुशी सी आ गई, खुशी सी। और भाई ने किस वे में किया, ओ सॉरी भैया, भाई ने किस वे में कमेंट किया था वो मैं सब जानता हूँ, ठीक है। पर
एटलीस्ट उन्हें कमेंट तो किया। तो फ्रेंड्स ओवरऑल 65 हमने एक कमेंट कवर कर दिया, तीन कमेंट कवर कर दिया जसवंत सिंह। मनी सर आ चुके हैं, ये आजकल ये आजकल कर क्या रहा है पहले ये बता। हम कुछ नहीं कर रहे आजकल, ये कुछ नहीं कर रहा, पहले तो रोबोटिक्स करता था, आज ये कुछ नहीं कर रहा, आजकल ये ऐसे चल रहा है, ऐसे मस्ती चल रही है। ठीक है सर, थैंक यू। विशाल आ गया अब, ये हमारे घर के पास ही रहता है और काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स अब हमने जाना है 355 नंबर शॉप पे, फिर 332 नंबर शॉप पे, तो अभी बहुत भीड़ है, चलो आगे चले। अभी डीजे भी बंद है तो लाभ उठाओ डीजे बंद का। आगे जाएंगे हम जल्दी 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 आगे जाएंगे, और ये आप चक्कर क्यों हम आगे जाएंगे। ठीक है ये हम आगे जा रहे हैं, तेज तेज आगे जा रहे हैं, वो छोटे मुंडे वाह 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 वाह, ये हमारे घर के पास रहते हैं, मेरी शॉप के पास रहता है। ठीक है और ये आप कई होते हो कि कईयों को अंकल बोल दो ना, काफ़ी गुस्सा आता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ये आप देख सकते हो, ओ अंतर ध्यान हो लगाना, मतलब आई थिंक यही चल रही थी ये लाइव भी कुछ समथिंग। ठीक है ये शॉप नंबर पता नहीं क्या है। ठीक है पर तो ये आप देख सकते हो इसका, ये पढ़ लेना भाई, पर क्लियर आ रहा है, हाँ क्लियर आ रहा है आई थिंक। ठीक है तो ये आप देख सकते हो लिखा हुआ सारा पढ़ लेना, ग्रीन सब्जियों के फायदे क्या है, ये मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है। ठीक है सर इधर ये लाइव हैं, ये आप चेक करो, इधर आ जाओ मैं बता दूंगा, और मुझे भैया सारे बता देंगे हमें। नाम है मोनू राणा, मैं बेसिकली कहते से बिलोंग करता हूँ। सर ये आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम में लोग ना आयुर्वेद को भूल चुके हैं, ये आयुर्वेद के ऊपर न्यूट्रिशन तैयार किए गए हैं। ठीक है तो ये क्या है कि विटामिन डी की कमी आजकल लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी आ रही है, और इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी कैल्शियम वगैरह होता है, कैल्शियम वगैरह बन रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। आज के टाइम क्या है कि इधर लो, आज के टाइम क्या है कि जैसे कि माइंड ग्रोथ नहीं कर रहा, बच्चों का माइंड बिल्कुल लो चला गया। ठीक है तो साथ ही साथ बोन्स पेन हो रहा है, साथ ही साथ मसल स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, किडनी में प्रॉब्लमें आ रही हैं। आज के टाइम बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, लोगों की बैक पेन हो रहा है, साथ ही साथ मसल्स में पेन हो रहे हैं, उसके बाद फीलिंग्स नहीं रही, तो हेयर लॉसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, विटामिन डी की कमी आ रही है सबसे ज़्यादा आजकल लोगों में देख सकते हो आप। उसके साथ साथ आज के टाइम 3 से 5 करोड़ लोगों के अंदर क्या कि जो नशा बनाया है। ठीक है ड्रग्स की 67,000 अरब का ड्रग्स का कारोबार हो चुका है, काला कारोबार। तो उसके साथ साथ सर ये युवराज सिंह है, युवराज सिंह को भी कैंसर हुआ था, ये सोनाली बिंद्रे हैं, रोमन रिंग्स है, विनोद खन्ना जी हैं। ठीक है सर तो ये अपना पूरा इम्यून सिस्टम है, तो इसमें क्या है कि सर जैसे कि हम लोग आज के टाइम में अपने ऊपर ऊपर के शरीर की ग्रोथिंग कर रहे हैं, ऊपर के शरीर के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बट अंदर से खोखले हो चुके हैं, उसके लिए सर ये बिल्कुल ही नेचुरली तरीके से प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं। अगर आपने परचेज करना है गीता जयंती पे आ सकते हो, और इनकी सारी डिटेल ले सकते हो। ठीक है शॉप नंबर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ठीक है 378 नंबर शॉप है 78। ठीक है ये प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट का रेट मेंशन कहाँ किया हुआ है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये इतनी सी बोतल 1200 रुपए की है। ठीक है आके, और ये बच्चों के लिए, किड्स के लिए। ठीक है मेरे हिसाब से भाई आप फल फूल फ्रूट खा के जल्दी जल्दी तगड़े हो जाओ, सब्जियां खा ले, और किंडर जवाई में कुछ नहीं रखा हुआ। बाकी अगर आपको फिर भी ये आयुर्वेदिक है ना सारी, ये प्योर आयुर्वेदिक है, और इसमें बेनिफिट क्या है मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये आयुर्वेदिक है, दूसरी बात ये काम धीरे धीरे करेगी, तीसरी बात पुदीना आप घर में उगाया करो। ठीक है तो ये आप सारी डिटेल बताई हुई है कि ये तैयार कैसे हुई है, ब्रोकली आंवला ओवरऑल सारा कुछ डाला हुआ है। बेरीज अपने लिए बहुत जरूरी होती है, पर बेरीज आजकल कोई खाता नहीं है, कईयों को स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद तो कईयों को कुछ नहीं पसंद, पसंद पे मत जाओ, थोड़ा कुछ सेब खा लो। तो ये आपको शॉप नंबर दिखाता हूँ, ये भैया आपको यहीं पे मिलेंगे, सब्जियाँ वाला फल उगा लो। तो शॉप नंबर मैं आपको मेंशन करता हूँ, शॉप नंबर इन्होंने छुपाई हुई है 378 है, ये 379 है। तो चलो अब आगे चलते हैं तेज, अभी डीजे बंद है, फायदा उठाओ हमारी भी ले ले भाई, पूरा नाम बोल यार ऐसे ना भाई की वीडियो शॉप है 79 पहले मैंने ले ली, कवर कर लिया आपकी शॉप। तो ये भाई देख सकते हो भाई, चौड़ाओगे भाई चौड़ाओगे खड़ा होगा कहता मैं, आप सारी शेयर कर देनी है सारी की सारी। भाई अपना नाम तो बता दो, संजीव कुमार। ठीक है तो अब आगे चलते, ये भाई संजीव कुमार। ठीक है शॉप नंबर 739 है। ठीक है अब हम आगे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं, तो ये आप भीड़ से देख सकते हो, इधर थोड़ी कम है। ओ इस स्कूल को पकड़ते हैं, रुक 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 रुक, तेरा स्कूल कौन सा है, ग्रीन वाले, कहाँ पे ऐसे है भाई, कहाँ पे है, कैथल में। हाँ बस ये शाबाश शाबाश, इनका स्कूल कैथल से है, और ये गोली की तरह जा रहे हैं,
भागे भागे जैसे कुछ गुम हो गया, जैसे बच्चे गुम हो गए, टीचर गुम हो गए, भाई कहाँ हो गए सारे बच्चे। तो अभी वीडियो बनाते हुए काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये आप देख सकते हो इधर का मैंने पहले दिखा दिया, यहाँ पे खड़े होकर मैंने को दिखाई थी, ठीक है। अभी नमकीन खाने का कोई विचार नहीं है। बाकी ट्रैक सूट आप देख सकते हो, ट्रैक सूट की 387 शॉप है, ठीक है। मतलब कि साढ़े तो 387 बोलते हैं, 387 पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, जा रहे हैं। अभी मुझे ये क्रॉस कर जाना है, मुझे 555 नंबर 53 नंबर पता नहीं कौन सी शॉप नंबर, मैंने कमेंट में लिखा हुआ देख लेंगे, तो वो शॉप नंबर कवर करनी है। उसके बाद ये आज पूरा मैं मिला, सॉरी ये अभी टकराने वाला था, शायद सिर फट जाता, ट्राइपॉड से वैसे कुछ नहीं होता। तो क्या होता है कि 300 शॉप नंबर कवर कर देंगे, ये ग्रीन वैली दिल्ली के, ओए बच्चे के मैडम के बस चाक के घूम रहा है। ओहो, तो इधर नमकीन चल रही है, ठीक है। बढ़िया भरा, तू सुना दिक्कत क्या हो जाती है? मैं दस दिना, दिक्कत ये हो जाती है कि मैं जो पंजाबी बोलता ना उस पर हिंदी आ जाती है, और जो फिर पंजाबी बोलने लग पाता है उस फिर मैं एंकर हिंदी आनी आनी है, और हिंदी में भी फिर पंजाबी आती है, तो दिक्कत हो ही जाती है। कई शब्द ऐसे हैं, अभी मुझे अकाउंटिंग बोलने में दिक्कत क्यों होती है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं ना हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पंजाबी में मिक्सचर होने के बाद ना मैं वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। वैसे अगर पंजाबी में बोल रहा हूँ तो पंजाबी में कंफर्टेबल चलेंगे, फिर हिंदी में इंग्लिश में मिस हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर कभी कभी आता है 378 पता नहीं क्या, 385 386, अभी मैंने 365 नंबर शॉप का लिया, 365 कहते हैं हमारे उधर, ठीक है, 365 मतलब कि 365, ठीक है, वो शॉप नंबर मैंने कभी कवर किया। अब मैंने 3553 करनी है, नहीं 353 करनी है, ठीक है, हमारे उसे 353 कहते हैं, ठीक है, 53 मतलब कि 53, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, और डीजे डीजे कुछ नहीं है, और मैंने आधा भरम सब कवर कर दिया। तो बैक कैमरा फ्रेंड्स ये चेक करो उसको, ये बैक कैमरा चल रहा है अब, ठीक है। और जब पानी चलता है यहाँ से, पानी कंटिन्यू ताज़ा ताज़ा पानी आता रहता है और चेंज होता रहता है। अभी ये बंद किया हुआ है, ठीक है, बंद किया हुआ, ये बात गलत है ना। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो भीड़ कितनी है, आप भीड़ चेक कर सकते हो, भीड़ है, ठीक है। ये चेक करो ये क्या है, 319 नंबर शॉप पे घड़ियाँ मिल रही हैं, और घड़ियाँ मिल रही हैं, घड़ियाँ चिंटू के लिए घड़ी लेके जाएंगे बाद में कभी जब चिंटू आएगा। ये इसमें ना ब्लू शीशा होता है, काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया सब्सक्राइबर है ये चेक करो, ये हमारा सब्सक्राइबर है, बैक कैमरे से सब्सक्राइब कर रखा है भाई, टिकटॉक पे भी फॉलो कर ले यार मुझे तो भाई ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई का, इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। शॉप नंबर 419, ठीक है, वैसे 419 अब 419 आएगा, 419 आएगी शॉप, तो दिक्कत हो जाती है, 11 अक्षर बोलूँ जो सारे अक्षर एक साथ बोलूँ, दिक्कत ये आ जाती है, ठीक है। शॉप्स में घड़ियाँ अच्छी लगी मुझे, काफ़ी घड़ियाँ अच्छी लगी, पर मुझे डालने की आदत नहीं है, चिंटू अच्छी लगती है, पर अभी थोड़ी पैसों की कंडीशन ऐसी है तो इसलिए मैं घड़ी नहीं लूँगा, उसके लिए टैडी ले गया था, दिया के लिए ढोल ले गया था बस। अब बैक कैमरा, अभी हम बैक कैमरा चला दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, मेक इन इंडिया, ये तो कुछ है, शॉप नंबर भी इन्होंने मेंशन किया है बड़े बड़े अक्षरों में। तो अभी हम बैक कैमरा चला दिया हमने, ठीक है, और 10 रुपये सेल 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 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये की सेल है, ठीक है। पर हम यहाँ पे आगे जा रहे हैं, ठीक है, और सूरज अभी टाइम जो हुआ है वो 4-5 बज ही गए होंगे, ठीक है, पता नहीं है, बल्कि भूख सी लगी है, तो अभी भूख लगी है तो खाने पीने कुछ जुगाड़ करेंगे, कुछ करते हैं, कुछ खाएंगे तो आपको वीडियो बना लेंगे। वैसे मैं मैगी खा गया, मैगी और भटूरे खा गया था, ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, आगे जा रहे हैं, और इधर स्लोक चल रहे हैं, ठीक है। स्लोक में वैसे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा नहीं, क्योंकि आज वैसे ही बहुत शोर है, और वो जो साउंड है वो एकदम क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और आगे जा ही रहे हैं, ठीक है। शॉप नंबर अभी मैंने कौन सी कवर करनी है मैं कमेंट में देखूंगा, क्योंकि आज मेरे माइंड में कुछ नहीं है, ठीक है। आज तो ये है कि आपको गीता जयंती का मेला दिखाना, और कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ शॉप के ऊपर, ठीक है। जो हम आगे जा रहे हैं, और हमें एक चीज़ नहीं मिली, हमें इलेक्ट्रॉनिक की वो मिली ही नहीं है ना, हमें इलेक्ट्रॉनिक की बाइक की जो थी वो 400 कितने नंबर थी, हर बार खींच के कहीं और लेके जाए, आप चेक कर सकते हो शॉप। ये बेचारा बैठा हुआ मेला देख रहा हुआ, उधर मेला देखना था उसको कहते हैं, कंधे पे बैठ के मेला देखना उसको सही कहते हैं, सही मेला देखना, ठीक है ना। तो पहले टाइम में ऐसे होता था कि कंधों पे बिठा के मेला दिखाया जाता, 300 रुपये के 3 खिलौने हाथों हाथ बिक गए, कहानी ख़त्म, ठीक है। ये देखो इधर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, 50 रुपये सेल, ये क्या 3 जोड़े जुराब के 50 रुपये के, ठीक है, और ग्लव्स भी है, ग्लव्स भी है। शॉप नंबर 445, ठीक है, और ये हम देख पाए
ये तीन जोड़े ग्लव्स के, ये फिलहाल ग्लव्स भी है जिनके, ग्लव्स भी है ठीक है, और क्या है पर्स भी है ठीक है, और फिलहाल इन्होंने सिर्फ शॉप्स के लिए गए, छोटे बच्चों की घड़ियाँ भी है ठीक है, ये खिलौने भी है, चश्मे भी है छोटे छोटे ठीक है, और ये शॉप्स नंबर चेक कर सकते हो। और अब बैक, अब हमारा लुक शॉप नंबर में, और एक चीज़ बतानी थी मैं कि इंटरव्यू नहीं, मेरे ख्याल से भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है तो इंटरव्यू नहीं ले पाऊँगा ठीक है, कहीं उन्हें ये चीज़ मिस कर लेनी है, मतलब कि मिस कर लेनी है, कर लेनी है मिस, तो इसी खुशी में मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर दो, जब मैं वीडियो एंड करूँगा मैं एंकर टिकटॉक पे छा दो, मेरे टिकटॉक पे फॉलोवर बहुत कम है यार, 50 फॉलोवर है। ए देखो आवाज़ मारने का तरीका, और यूट्यूब बताओ कोई बात, कोई तुक बनता है साले को पूछे मैं तेरे से कुछ मांग के खा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी भाई जी, ओके, क्या कंटेंट क्या है आपका? मेरा तो मैं फिल्म मेकिंग में बनाता हूँ, फिल्म मेकिंग, फिल्म मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और मैं फिल्म मेकिंग में बनाता हूँ। भाई का भी यूट्यूब चैनल है भाई, ये नोट 10 प्लस है। माइक कौन सा यूज कर रहे हो? इसका हेडफोन, इसी का हेडफोन माइक, इसमें लगेगा नहीं, टाइप सी है। तो फ्रेंड्स ये गेट नंबर है गया एक, अरे दो, ये गेट नंबर दो है ठीक है, इसके सामने गेट नंबर एक है ठीक है, गेट नंबर एक जब मेरी वीडियो एंड होने वाली है तब दिखाऊंगा, ये गेट नंबर दो है ठीक है, अभी मैं बैक से दिखा देता हूँ, ये गेट नंबर एक है, बल्कि थोड़ा पास में हूँ, अब गेट नंबर एक पे पहुँच गया, मैंने आधा भ्रमसो दिखा दिया, ये गेट नंबर एक ठीक है, थोड़ा दूर हो, ये गेट नंबर एक है ठीक है, अभी हम आगे जा रहे हैं इधर ठीक है, 500, 300, 5 नंबर, 6 नंबर शॉप इधर ही आएगी, तो चलो अब भागे भागे चलते हैं इधर, एम्बुलेंस एमरजेंसी के लिए ठीक है, किसी को एमरजेंसी पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी है ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे ठीक है, ये मुझे शॉप नंबर मेरे माइंड में आ रही है कि वो इधर कहीं थी, तो चलो अभी इसको थोड़ा फ्रंट कैमरा से भी चला लेते हैं, ता जो इतना भी कि हाँ मेरे को बुरा ना लगे, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। लो ये ताऊ कुछ कह रहा है, ये हमने ये शॉप मैंने पहले दिखा दी है, तो फ्रेंड्स शायद मुझे 465 का आया था, देखते हैं अभी कमेंट पे, ये आप चेक कर सकते हो शॉप में क्या क्या मिल रहा है, इसमें आपको हरियाणवी बैठने को, ये देख सकते हो ये मोम से बनाया हुआ है इन्होंने मोमबत्तियाँ ठीक है, ये क्या है मुझे नहीं पता ये क्या है, ये आंवले का पानी हो सकता है शायद ठीक है, मैं दिखा दे देता हूँ उठा के ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो 40 रुपये का है, ये क्या लिखा है इंग्लिश में, पता है आपको इंग्लिश कितनी हाई फाई है, और ये जेल है ये आंवले की ही जेल होगी कन्फर्मला आंवला चल चल ठीक है, और ये मोम से बनाया हुआ ये सारा सिस्टम है ठीक है, ये मोम की बॉल बनाई हुई है ठीक है, और ये पेपर होल्डर है, बाकी ये पड़े हुए हैं, बाकी ये ओवरऑल आप अंदर में देख सकते हो पेंटिंग की हुई है ठीक है, ये आप देख सकते हो ये पेंटिंग है ठीक है, और ये चिड़ी के बच्चे भी है, शॉप नंबर कौन सी है 465 नंबर, नहीं 65 नहीं ये 66 है, 56 होगी, 56 नंबर शॉप होगी, 56 नंबर यार है ना, मेरा सत्यानाश हो रहा है, मतलब कि इंग्लिश का भी और हिंदी का भी ओवरऑल सबका सत्यानाश हो रहा है ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इन्होंने ओए इन्होंने बोला कवर कर दे, ओए कवर कर दे, ये हमने कवर कर लिया, यहाँ स्टूल साल ये सारा कुछ ये है क्या यहाँ पर क्लॉक्स है ठीक है, अच्छा तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इन्हें कवर करनी है तो 535 नंबर शॉप, नहीं 32-33 नंबर शॉप, अभी देखी मैं फिर भूल गया ठीक है, अभी शॉप नंबर कवर करनी है तो कर लेंगे कवर, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है, जो कमेंट आया मेरे कोशिश ही रहती है कि मैं कवर करूं, भूल जब बात अलग है तो ऑलमोस्ट मैं कवर कर ही देता हूं, बर्फी पिक्चर देखे आपने, मुझे यही परेशान करी जा रहा है, तो इसको खड़ा कर दो, खड़े भी नहीं हो रहे, बाल नहीं खड़े हो रहे। तो फ्रेंड्स आज की गीता जयंती में भीड़ लगी हुई है खचाखच, और इसका नोट 10 प्लस का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है ठीक है, अगर आपने फ़ोन पानी में नहीं लेके जाना तो ये फ़ोन बेस्ट है ठीक है, पर आपने हमने जो करना है वो 500 ऊपर नंबर से शॉप करना है, जितनी 500 से सारी ऊपर ही ऊपर है ठीक है, और ओवरऑल वेदर बहुत अच्छा है, जो वेदर है ना बहुत अच्छा है, जिधर फूल है बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ज़्यादा बैक कैमरे से आपको फूल दिखा रहा हूँ जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, सारे इकट्ठे पड़े हुए ऐसे लग रहा है जैसे नर्सरी है, ये शॉप नंबर 469 ठीक है, 469, बाकी आप पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं बोलते ठीक है, और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी शॉप कवर कर लूँगा, अभी हम आगे जा रहे हैं ठीक है, तो अब आगे जा रहे हैं, अगर आपने टी शर्ट प्रिंट करानी है तो यहाँ से टी शर्ट प्रिंट हो जाएगी, ये 300 रुपये की टी शर्ट प्रिंट करते हैं, और इन्होंने गाने चला रखे हैं, इधर ठाठा 534 नंबर शॉप और 553 नंबर शॉप हमने कवर करनी है, इधर ठाठा लगी हुई है ठीक है,
और ये भाई मारने वाला है, गोली फूटती है गौरे पे, नहीं फूटती है, ये भाई बीच में है, क्या कुछ नहीं कर सकते, और ये मार दे भाई, इंशाल्लाह नहीं बढ़ा उसका, मैं पट हेड शॉट मारूंगा, ये भाई मरेगा पट हेड शॉट, ये मारेगा ही मारेगा, देखते हैं। ओ मिस, ओ निशाना मिस कर दिया, ठा मिस कर दिया, मिस। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स अभी हम आगे जा रहे हैं, तो आगे जा ही रहे हैं, टक 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 टक। ओ ये चीज़ देख सकते हो, ये मेले में ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ ये कितने का है, ये 20 रुपये का है, और ये अभी मैं बोल रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, ये भाई देखो हाथ से लगा हुआ है, पर इसका एक्सपीरियंस है, 20 रुपये का पीस, 4-5 रिंग, 6-7 रिंग, कितने रिंग है इसमें, ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिंग है, ठीक है। और ये 20 रुपये का है, ठीक है ठीक है, एक हम ले लेते हैं, चिंटू खुश हो जाएगा इससे, ये ले भाई, मेरे लिए 20 का है, मुझे तो 10 का दे दे, मैंने तो कवर कर लिया, मुझे तो 10 का देना चाहिए तुझे, तो ये मैंने अभी चिंटू के लिए ले लिया, चिंटू बनाएगा इससे, ठीक है, पर बनता नहीं है ये भाई को, आप देखते हो अभी तो बाहर इसके नंबर बैठा है, और बाकी पता नहीं क्या है, कहाँ नहीं होगा, अगर ये यहीं पे बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये हमने चिंटू के लिए ले लिया, आई होप कि चिंटू को, चिंटू ये बढ़िया लगे तो मुझे बता देना। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको अब मैं रखूँगा कहाँ, ले तो लिया मैंने, रखूँगा कहाँ इसको, ठीक है। तो अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, आगे जा रहे हैं। ओ इधर चश्मे कैप्स और चश्मे कैप ही तो सारा कुछ लगा हुआ है, आगे जा रहे हैं हम, और शॉप नंबर हमने 534 नंबर जाना है, जिसको हम कहते हैं 534 नंबर। कॉन्फिडेंस देखो मेरा, कितनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बैटरी देख सकते हो, बैटरी इन्वर्टर यहाँ पे है, ठीक है। ये हम आगे जा रहे हैं अब, ठीक है, तो आगे हम जाएंगे, खचा खच खचा खच खचा खच। ये हमने ले लिया है, ये खुला हुआ तो नहीं है, नहीं है। अब इसको मैं जेब में डाल लेता हूँ, क्योंकि जेब में मुझे पता है मैं कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी जाएंगे आगे, और 500 नंबर शॉप में हम पहुंच गए, 34 नंबर शॉप जाना है, ठीक है। और वीडियो मेरी बहुत लंबी है, आज की वीडियो बहुत लंबी होएगी, क्योंकि आज मैंने ओवरऑल सारा कवर कर रहा हूँ, और ये ब्रह्म सोवर आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है, और इसके बाद जी आप देख सकते हो, इसके बाद मैंने कवर करना है, क्या करना है, मैंने फ्लोर पेंटिंग कवर करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये शॉप नंबर लिखी नहीं हुई, शॉप नंबर आगे होगी, ये शॉप नंबर आती है नहीं आती। और ये 30 रुपये का रुमाल है, पता नहीं क्या है, 30 रुपये का कुछ है यहाँ पे, ठीक है, 30 रुपये का रिंग है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये पता नहीं क्या है, पर यहाँ भीड़ लगी है। ये क्या 30 रुपये की घड़ी है क्या, ये गर्लिश है, नीचे जेंट्स भी है, कानों में छेद करने वाली गन, जो कि मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, ठीक है। और कितने की है भैया ये घड़ी, घड़ी कितने की है, 250 की भाई, कोई भी भाई 250 रुपये की घड़ी है, कोई भी, ठीक है। और ये आप क्या कर सकते हो, और ये 30 रुपये का क्या है, ज्वेलरी 30 रुपये की ज्वेलरी है, इधर नाम बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और अब हाँ आगे जाएंगे, ठीक है, आगे जा रहे हैं हम, बाबा आगे जाएंगे हम, आगे जाएंगे। ओ ये क्या दे रहे हैं, ये झूले दे रहे हैं, दो ओहो भाई दो दूसरी बार आ गया भाई, दूसरी बार आ गया, कैसे है भाई, सब्सक्राइब करवा आगे भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है, और मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर मिलता भाई टिकटॉक पे फॉलो कर लेना, शुक्रिया भाई तुमने सब्सक्राइब कर रखा है मुझे। और ये भाई भी खुशी खुशी आते हुए, और बस आज घर जाकर यही देखेंगे हम भी वीडियो में आया, पर वीडियो एक लंबे एक घंटे से ज़्यादा लंबी होगी, सोचे कि इतनी लंबी वीडियो बनाई क्यों है पता नहीं, तो भाई आज की वीडियो एक घंटे की होगी, तो अभी मैं बैक कैमरा चला रहा हूँ। थैंक यू भैया आपका सब्सक्राइब करने के लिए, तो बिल्कुल वीडियो बना रहा हूँ भाई, वीडियो बना रहा हूँ तो ना यूट्यूब पे। तो ये क्या है, ये मेरे ख्याल से फर्नाइल है, स्विमिंग बाय मणि भाई, टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है यार, ठीक है। फोटो खींच जो कुछ मर्जी कर भाई, तेरी श्रद्धा और याद देश है, जो कुछ मर्जी करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज रात को या कल सुबह, तो ये आज रात को या कल सुबह, ओ हैं फिर लो 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 भाई कह रहा है मेरी फोटो लोगे, लो भाई अब कहाँ आ रहा है, फोटो तो मैं बैक कैमरे से चला रहा हूँ भाई, तेरी फोटो ले ली, अब तू वीडियो में आ गया। तो फ्रेंड्स ये है इलेक्ट्रॉनिक कार, अरे भाई क्या बात है, इसका बेनिफिट क्या है, ये सेंसर ऑटो सेंसर करती है क्या है, अच्छा ये LDR सेंसर से ये बेचने के लिए रखी है या एग्जीबिशन है भैया, हम क्लासेस देते हैं, अच्छा अच्छा सिखाते हैं,
ठीक 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 ठीक। तो फ्रेंड्स ये रोबोटिक्स बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, बोट बूट बनाने की शर्ट के पीछे लिखा हुआ है। तो ये इन्होंने कार बढ़िया बनाई हुई है, मतलब लग तो बहुत अच्छी है। ओ माय गॉड, पक्की गल है? ये 7th क्लास के बच्चे ने बनाई है। ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीन। कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीन, ये क्या कोल्ड ड्रिंक निकालती है? हाँ जी। कोल्ड ड्रिंक कौन कर? तीन तरह के कोल्ड ड्रिंक सिलेक्ट कर सकते हो आप इसमें। और निकालेगी कब? निकालेगी तो नहीं है ना? नहीं अभी हमने डाली नहीं। वैसे ये किसने किया? 7 साल के बच्चे ने? 7th क्लास के बच्चे ने, ठीक है। और ये बाकी आप देख सकते हो, ये इन्होंने बनाई हुई है। बाकी ये इनका वहाँ मेरे ख्याल से कैंप भी लगा हुआ है फ्री। नहीं, वो हमारा वो नहीं, इनका नहीं, वो किसी और का होगा, पर ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी। ये हमारे कीनो द फन लर्निंग क्लब है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कहाँ पे? प्रोफेसर कॉलोनी में। ये कहाँ पे पढ़ती है? यूनिवर्सिटी के पास। तो फ्रेंड्स ये यूनिवर्सिटी के पास पढ़ती है। यूनिवर्सिटी के 3 गेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन से गेट के पास? ये सर सामने ही है, सेकंड गेट के सामने। सेकंड गेट के सामने फाटक क्रॉस करके प्रोफेसर कॉलोनी है उसके पास। ये फोटो देख लो, अगर किसी बच्चे की कोई आएगा वीडियो देख रहा है तो। वैसे ये मद्रास के लग रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ का लग रहा है। इसमें कोई बच्चा आएगा तुम्हारा? ये ऐसे उठा के लगाई हुई है किसी की? ये देख लो, अरे लगे तो है बच्चे, पूछ रहा हूँ मैं, जो बल्कि ट्रेनिंग ले रहे हो। ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चों ने ड्रोन बनाया था। अच्छा, समर वेकेशंस का है। ओके, समर कैंप लगा था। बल्कि ये सारे कुरुक्षेत्र के बच्चे ही है? कुरुक्षेत्र के भी हैं, थोड़े बाहर से भी आते हैं। अंबाला कैथल ऐसे करनाल के? करनाल छावा के। ये हमारे पास होम के लिए भी है, ये और सेंसर पे वर्क करती है। जैसे इसको सेंसर को मोशन डिटेक्ट होता है, ये लाइट ग्लो खोलने लगती है। अगर इसको 30 सेकंड तक मोशन ना दिखे तो ये अपने आप बंद हो जाएगी 30 सेकंड के बाद। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं, ये मोशन सेंसर है। अच्छा, इसको आप लूबी में लगा सकते हो। अगर अपने लूबी में लगाने के बाद यानी जहां पे बार बार आपको बटन ऑन ऑफ ना करना पड़े, बल्कि ऑटो सेंसर अपने आप काम करेगा। कोई भी पर्सन आएगा ऑटोमेटिक लाइट ग्लो करेगी, चला जाएगा 30 सेकंड के बाद लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पावर सेविंग, बिल्कुल पावर सेविंग भी ला सकते आप इसको। ऐसी ये की है हमारे पास, रिमोट से ऑन ऑफ करना हो आज को। हाँ, इसी वाइप रिमोट है, रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हो। बैठे पे पड़े हो यानी बार बार बटन ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, दूर से बैठे पड़े पड़े लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। जी जी जी। रोबोट से पीछे और भी रोबोट से पीछे। भाई मैंने रोबोट्स के ऊपर वीडियो बनाई है, वैसे आज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कल मैं बेला ही हूँ बनाता हूँ। तो ये शॉप नंबर घूम कर दी इन्होंने, शॉप नंबर 507 है उसके साथ आप देख सकते हो। ये इन्होंने बस अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया, अगले साल आप आने अमीर हो जाना। देखिए यहाँ ये आप बुक्स यहाँ पे हैं, ये मनीष के लिए बढ़िया है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, लो जी लो। तो फ्रेंड्स ये शॉप नंबर 510, हमने जाना है 532 और अभी हम तेज तेज आगे जाएंगे, ठीक है। तो बैक है, आगे जा रहे हैं जल्दी जल्दी, हमने 534 नंबर शॉप पर जाना है। 534 नंबर होता है 534 यार, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है। वीडियो लंबी के होने का कोई चक्कर नहीं है, वीडियो जितनी लंबी होगी उतनी सेव होने में ज़्यादा टाइम लगता है, 5 से 6 घंटे, 7 से 8 घंटे, ठीक है। जैसे आप स्विमिंग की वीडियो देखो, 2.5 घंटे की वीडियो है, पर वो वीडियो सेफ होने में उसने पता कितना टाइम खाया है? उसने सेफ होने में मेरा पूरा 18 घंटे खाए हुए हैं। सोच करो 18 घंटे लैपटॉप कंटिन्यू चल रहा है, एक शख्स उसके साथ जाग रहा है, बार बार चेक कर रहा है कि कोई कैंसिल तो नहीं हो गया, क्योंकि कैंसिल होगी कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 18 घंटे द्वारती लगाने पड़ेंगे। कॉपीराइट लगाएगा 18 घंटे द्वारती। और ये इस वीडियो पे मेरे मिनिमम, अरे बताओ ये डांस भी करेगा, अभी थोड़ी देर पहले ये एंजॉय करा रहा मेले को पूरा है ना एकदम। तो अभी देख सकते हो ऐसे को तो, तो यही मेला देखने आया हुआ है, ये मेले देख रहे हैं ये सर आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स छोटा मेला बच्चा देखे कितना प्यारा था, ठीक है ना, वो कर रहा था। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हो। इधर हमने जाना 34 नंबर शॉप पे। अरे यार शॉप आ गई 534 नंबर शॉप आ गई। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था कि भाई हमारी शॉप कवर कर लेना, तो 534 नंबर शॉप हमने कवर कर ली। ये है 534 नंबर शॉप, ये 534 नंबर, ठीक है, कपड़े की शॉप्स है, ठीक है। ये यहाँ पे फीमेल कपड़े मिल रहे हैं, फीमेल मेल पता नहीं दोनों है या नहीं है, ये मेल भी होंगे, ये आप देख सकते हो। भाई खुश हो रहा है, ज़बरदस्त वाला खुश हो रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ए भाई जाओ जाओ जाओ, चक चक के फेंकी जा रहा है, चको चको चको, जड़े मर्जी ले लो, ठीक है। तो यहाँ कुछ सेल है, क्या है सेल है ये? कितने की? 300, 250, 200 जेंट्स और मेल दोनों है या मेरे कल फीमेल है? दोनों की है ये, एक जनों की है।
करे लड़की लड़कियों की है या लड़का लड़की दोनों की? सबका है, सबका है, जे सबकी है। ठीक है, और ये है क्या हुडी वाली भी है? ये तो लड़कियों की है। तो फ्रेंड्स देखें, स्वेटर मुझे पसंद नहीं है वैसे, ये तो फीमेल है। गर्ल भी है, वो हुडीज भी हैं। ठीक है, हुडीज भी हैं, हुडीज भी हैं, हुडीज भी हैं। वो मुझे ग्रे वाली अच्छी लग रही है, पर वो फीमेल है, वी शेप है। ठीक है, और वी शेप मुझे पसंद नहीं है। शॉप नंबर 334, तो चलो वीडियो शॉप नंबर 334 भी कवर होगी। कमेंट अपने तीन कवर हो गए, तीन नहीं दो कवर हो गए, शॉप से दो कवर हो गए। बच्चे गाने चल रहे हैं, बंद करता हूँ अभी यहाँ पे, फिर उनको गाने बंद करवा के फिर वीडियो बनाते हैं। वैसे वेदर काफ़ी अच्छा है, बैकग्राउंड का वेदर बहुत अच्छा आ रहा है, पर वीडियो बनाने के चक्कर में ना डीजे चल रहे हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ फील नहीं कर पाता। इसको बंद करके फिर आप अभी तीन चार घंटे वीडियो बनाने में लगाऊंगा, फिर तीन चार घंटे या आधा घंटा घूमूंगा, क्योंकि थक जाता हूँ ना, फिर काम भी करना होता है। तो यहाँ चल रहे थे गाने, मैंने भैया को रिक्वेस्ट की, भैया ने मान गए, और इन्होंने शॉप नंबर क्या है 3538। ठीक है, और हमने 35 नंबर शॉप कवर कर लिया है। ठीक है, भैया ने गाने बंद कर दिए यार, इतना काफ़ी मुझे सपोर्ट कर दिया। ठीक है, नहीं कहीं होते हम क्यों करें। यहाँ पे आपको ये बैंड भी मिल जाएंगे। ओ आप तो आ गए, अब क्या होगा? ओहो, तो ये यहाँ पे आपको कैप्स मिल जाएगी, ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये टी शर्ट्स भी मिल जाएगी। टी शर्ट प्रिंट भी करते हो? प्रिंट भी हो जाएगी। ठीक, कितने की? 100 रुपया। 100 रुपया टी शर्ट प्रिंट, टी शर्ट अपनी जो आप दोगे, आप दोगे 100 रुपये प्रिंट, कुछ भी करा लो। अच्छा, यही फोटो मिलेगी? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये टी शर्ट 100 रुपये की है। ठीक है ना, और ये आप चेक कर सकते हो, और ये आप बैंड भी मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बैंड कितने कितने के हैं? 20 रुपये बैंड है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं, हेडफोन भी है वहाँ पे। ठीक है, कैप है, तो चलो अब आगे चलेंगे हम। ये आप देख सकते हो शॉप नंबर 38, भैया ने सपोर्ट किया, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, 100 रुपया ये बिजली का घर, 100 रुपये, पर ये करेंगे क्या, घर में लटकाने चाहिए यार चिड़ियों के लिए, ये होने चाहिए, ये काफ़ी बढ़िया है। ये कितने का है? ये 100 रुपये का है, पर मैं लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, तो धीरे धीरे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया है ये चीज़, वैसे ये चीज़ घर में होनी चाहिए। अरे यार फ्रेंड्स, स्विमिंग बाय मनी ये चैनल का नाम लिखे, तो ये घर में होने चाहिए, घर में चिड़िया हो तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है। ये शॉप नंबर है 539। ठीक है, तो अब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लगे हुए हैं जी ग्वार फुलाने, अगर आपने जीने हैं यहाँ पे आ सकते हो। ये लाटू मेले में हम ये गोल गोल घुमाने वाला, ये कितने का है? 30 रुपये का। तो ये देख सकते हो, अभी मैंने ये चको ये आप घुमा सकते हो, और ये सिंह है, और ये आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया रहते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, रात को बहुत रहते हैं। शॉप नंबर 541 नंबर शॉप है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये फीमेल्स के कुर्ते हैं पैजामे जो भी है, तो यहाँ पे सारा कुछ है। ठीक है, आप शॉप नंबर 542। ठीक है, और ये अपन 445 का है, आई थिंक वो बिल्डिंग बना के बैठे हुए हैं। तो ये है जो मछलियाँ रखने वाले, इसमें बम्बू भी रखे जाते हैं। भाई ये पोर्ट कितने का है? 70 रुपये का पोर्ट है, साथ में ये गोलियाँ भी मिलेंगी। अच्छा, वो 70 रुपये का है और ये 80 का है, बल्कि जिसमें बोल्स पड़ी हुई हैं। ये कब तक ख़राब नहीं होती? 2 साल ऐसे पानी में रहे, ऐसे रहे, और ये चिपचिपी नहीं हो जाती? ये पैक करके रख दो, हवा लगने से सूखती है, हवा नहीं लगेगी, ऐसे रहेगी 2-3। अच्छा, तो ये भी बड़े होंगे क्या? ये फ्लावर 3-4। कहाँ बड़े, कहाँ बड़े, कहाँ? सैंपल बेच दिया इनका, बेच दिया। ओ तो ये देख सकते हो, रिंग रूम मुंदिया मंदिर साहब, ओ सॉरी भाई। तो ये आप देख सकते हो, हमारा अब चोर शॉप नंबर का कमेंट आया था 445। अब हम आगे जा रहे हैं, और अभी शॉप नंबर कवर करनी है 553। ठीक है, कितना आसान बोला गया ना, क्योंकि ऐसे रहता है, अब आसान बोल देते हैं, ऐ काम कर लेते हैं जो हमने करना हो। ठीक है ना, बस एक ना मन बनाना पड़ता है, ये मन, ये दिमाग, ठीक है, मन बनाना पड़ता है, तो ऐसे काम हो जाते हैं सारे, इतनी हमें टेंशन लेते नहीं है। तो हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, अरे गाने फिर चल रहे हैं यार। हमें कमेंट था कि हमें कवर करनी है 554 नंबर शॉप, 554 जे 3 या सॉरी 554। ठीक है, ये रही 554, ये एक ही शॉप है। ठीक है, ये 553 और 4 ये एक ही शॉप है, तो चलो अब बैकग्राउंड में बैक शॉप कवर करते हैं। 553 ये 554 ये एक ही शॉप है। ठीक है, मतलब कंबाइन है ये शॉप। इनका कमेंट आया हुआ भैया का, ये यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हो, महात्मा बुद्ध जी की फोटो में मिलेगी। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो गुरु रविदास जी की आपको फोटो में मिलेगी, यहाँ पे फोटो में है। ये सेल करने के लिए ना, हाँ तो ये सेल करने के लिए है।
ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पेन भी मिलेंगे, ठीक है, और ये रिंग्स भी हैं इनकी, ठीक है, ये सारा कुछ है इनका ओवरऑल, ये आप चेक कर सकते हो। ये गाड़ी में लगाने के लिए ये सारा आप चेक कर सकते हो। महात्मा बुद्ध जी की है, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, ठीक है, मूर्ति है फिलहाल तो मेरे पास सामने, ठीक है, ये लगाने के लिए जैसे 3D जैसे होती है ना, ऐसे ये काम पे करता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने कवर कर लिया ओवरऑल, आर्ट शॉप देख सकते हो, टी शर्ट्स भी हैं, टी शर्ट्स भी है, ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो आरती का संविधान, भारतीय संविधान, ठीक है, ये सारी है। अगर आपने कोई लेनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, शॉप नंबर है 5543 कंबाइन है, ठीक है, और ये आप टी शर्ट्स में कैलेंडर है, ये आप सब चेक कर सकते हो, ओवरऑल सारा ही है। लो जी, और बताओ किसकी लेनी है, हो गई सारी कवर, सारा ले लिया जी, उधर वाला पैप उधर से आया, ठीक है, ये डेकोरेशन का सामान है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये शॉप नंबर 553, ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था और मैंने बंद करवाने के लिए बोला तो इन्होंने बंद कर दिया, इनका शुक्रिया है। शॉप नंबर 5555 कैसे नंबर है, ठीक है, ये चला रहे थे तो इन्होंने मेरा संयोग किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये मैग्नेट है जो आप मीटर करते हैं, ये मैग्नेट है, ठीक है, तो ये कच्छप रूप, ये सारा आप देख सकते हो, ठीक है, इन्होंने काफ़ी साथ दिया हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। 556 ये कंबाइन शॉप है, ये दोनों जैसे वो 534 कंबाइन थी, ये भी कंबाइन है। अब हम आगे जा रहे हैं और आगे, हाँ चला रहे हैं, तो ये हम आगे जा रहे हैं, अब आगे जाएंगे जल्दी जल्दी, यहाँ पे भी आप देख चेक कर सकते हो, ये इनका अभी पूजा करा रहे हैं, आरती कर रहे हैं इनके, मुझे अभी पता नहीं, आई डोंट नॉलेज, ठीक है, जो सरकार की तरफ से है कुछ बता रहे हैं कि बस है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, ठीक है। ये प्राचीन मुझे लगता है कुछ सिस्टम है भाई, ये क्या है, पुराने पत्थर है क्या सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, नहीं पत्थर है, नहीं पत्थर है, अलग अलग, ये ऐसे पत्थर हैं, ये कॉपर हो रहा है, ये भी कॉपर हो रहा है, कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ये मेरी पहुँच से बाहर है, ये भाई की पहुँच में है, ठीक है, बाकी भाई बता देगा, मैं फोकस कर दूंगा, ये भाई बताता नहीं हो, मुझे नॉलेज नहीं है, इसमें बताना भाई, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्ज है, अलग अलग टाइप पे ओर्स हैं, ये पहले वाला है कॉपर ओर, सेकंड भी दूसरी फॉर्म का कॉपर ओर है भाई, इसी हिसाब से मुझे भी समझ लग गया, हाँ टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर ओर है मतलब तांबा है, ये जो ओरिजिनल फॉर्म होती है तांबे की, जब हम धरती में से निकालते हैं तो ऐसे निकलता है, आगे इसकी रिफाइनिंग होती है इंडस्ट्रीज में, हाँ जो भी इसको तो हाँ हाँ रिफाइनिंग होती है उसे, बेसिकली रिफाइनिंग कहते हैं। ये है आयरन ओर, जिसे हम लोहा कहते हैं, लोहा लोहा पहाड़ियों फिर रिफाइनिंग होती है, ये क्या सिस्टम है, ये भी कॉपर है तांबा, तांबा हाँ जी, जिसकी मोटर मोटर बिल्कुल, ये है लाइम स्टोन, चूना कहते हैं जिसे हम, अच्छा, और ये जो दोनों हैं स्पीसीज हैं, दोनों एक्वेटिक यानी कि पानी में पाई जाती थी 400 मिलियन साल पहले, यहाँ लिखा भी हुआ है, पढ़ भी सकते हो, अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ इनके फॉसिल्स ही पाए जाते हैं, मतलब ढांचे पाए जाते हैं, वैसे एग्जिस्ट नहीं, जानवर होते थे, अब ये जानवरों के सिर्फ शरीर रह चुके हैं, पहले ये जानवर होते थे, अब जानवरों के शरीर रह चुके हैं, बाकी पीछे जुगाड़मेंट इनके बहुत ज़्यादा है, हम ये कल कवर करेंगे अच्छे से, फिलहाल मैं आपको शॉप नंबर बता देता हूँ ताकि मैं भी याद रखूँ, 561 शॉप है 560, ठीक है, और ये इनमें आपको साइंस वाली लाइब्रेरी में मिल जाएगी, ये आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आई होप कि आपको बढ़िया लगेगी, और चार नंबर की वीडियो मिलेगी, ये अभी देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको यही दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, ये साइंस से रिलेटिव है, ये भी देख रहे हैं, तो ये आप दिखा दूंगा, इसमें इन्होंने बनाया होता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये ऐसा लगता है बड़ा लंबा है, पर चेक कर लो, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ये, ठीक है, इसमें देखने में ऐसे लगेगा जैसे आप गुफा में देख रहे हो, ठीक है, ये अभी आपको इसलिए नहीं सही दिख रहा क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा रोशनी है और आप कैमरा चेक कर सकते हो, देख रहे हैं, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, बाकी मैं अंधेरा करूँ कैसे करूँ, देख नहीं देख सकता, पर मैं देख रहा हूँ, ये हाँ कुछ कोशिश तो हुई, मे बी ट्राई, तो फ्रेंड्स ये दूर तक दिखता है और ये खुद को दूर तक दिखता है, मैं इसको हटा के मैं देखता हूँ, तो ये दूर तक दिख रहा है, ओ एक मिनट, आप इसकी गहराई नहीं नाप सकते, ये बात सही है, तो इसको मैंने देख लिया, लो जी लो, क्या देखना है भैया, ये तो फ़ोन में देख रहा हूँ, आपको उसमें देखना है, बिल्कुल भाई यूट्यूब चैनल है स्विमिंग बाय मनी, भाई मनी एक काम करना, ब्रह्मसोर गीता जयंती मेला डे 9 मारना सर, आज की वीडियो मिलेगी, पर ये कल मिलेगी सुबह,
तो हम आगे जा रहे हैं और इधर शिप चला रहे हैं, किश्ती चला रहे हैं। किश्ती चलानी क्यों जरूरी है पानी में, मैं बता देता हूँ। किश्ती के पंखे से जो पानी के अंदर घास होता है वो कट जाता है और वो नीचे नीचे रहता है, ऊपर नहीं आता, और जो कटा हुआ घास है वो ऊपर आता है, जिसके कारण पानी साफ रहता है, ठीक है। और तैरते समय जब कोई नहाता है तो उसको घास नहीं लगता, नहीं तो वो डर जाता है, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं और मैंने सारे कमेंट कवर कर लिए, अब कुछ नहीं, अब आपको सिर्फ मेला दिखाना है और मेला दिखाना है और जाना है, ठीक है। और आई होप कि आपको बढ़िया लगेगा ये मेला, और कोशिश रहती है कि मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना लूँ, पर क्या होता है कि बीच में कोई ना कोई आ जाता है। भाई कह रहा था, वह मैं स्टोन दिखा रहा था, लड़का जबरदस्ती स्टोन में घुसने की कोशिश कर रहा है, आ जा तू ही आ जा स्टोन की जगह, क्या जरूरत है स्टोन दिखाने की, तुझे दिखा देते हैं, तू ही एक आया, तांबा पत्तल जो भी बन गया है तू ही आया, और किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम काफ़ी काफ़ी आगे आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने स्टार्ट की थी वो बैक कैमरे से, ये यहाँ से, ठीक है, गेट नंबर एक से थोड़ा सा आगे, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ से स्टार्ट की थी, आज ये पूरा कवर कर रहा हूँ, पूरा राउंड कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ओ ये सारा हम घूम के आए हैं, ये सारा का सारा 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 सारा, ठीक है। शॉप नंबर हमने सारी कवर कर ली है, ठीक है, और ये अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। शॉप नंबर हमने ओवरऑल सारी ही कवर कर ली है, अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ योगा करनी है, योगा नहीं बल्कि पता नहीं मुझे क्या है, वैसे योगा के लाभ बताएंगे, शरीर की मालिश करेंगे, बल्कि मालिश करेंगे नहीं, बताएंगे कि उसके बेनिफिट क्या है, ठीक है। बस मैं ऐसे अपना अपना एक अनुमान लगा रहा हूँ, चित्र देख के, फोटो देख के, ठीक है। बाकी योगा योगा के कुछ आसन बताएंगे, बाकी जड़ी बूटियाँ है जहाँ पे आपने, अगर आप दिखनी, दिखाई देता हूँ, वैसे आयुर्वेदिक बढ़िया चीज़ रहती है, आयुर्वेदिक काम धीरे धीरे करती है, पर करती काम जड़ से ख़त्म है, ये आप देख सकते हो। पर है क्या, ये सुपारी होगी, ये आप पढ़ लो, ठीक है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये क्या है चेक कर लो, ठीक है। और ये सारा कुछ वैसे जंगलों में मिलती है, ये आप शॉप नंबर चेक कर सकते हो 574। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। गर्म टोपियाँ 300 रुपये की, और मैंने 50-60 रुपये की ली है, ये 300 रुपये की बिक रही है, वाह 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 वाह। और ये आप चेक कर सकते हो शॉप नंबर 564, अगर आपने लेनी है तो यहाँ आ सकते हो। अभी नॉर्मल कैमरा चलाते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल कैमरा है, तो चलो अब आगे चले, ठीक है। क्योंकि तुमने कि मैं शॉप में कवर कर रहा हूँ और ऊपर से कह रहा हूँ यहाँ से कवर करो, वहाँ से कवर करो, ये करो वो करो, भाई मैं अपने हिसाब से कवर करूँगा, ये बात सही है ना। मुझे वीडियो छोटी बनानी है और ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। शॉप नंबर अगर आपके स्क्रीन नंबर आता है 582, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे और आगे ही जाएंगे, तेज तेज कुछ 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 करके हम आगे जाएंगे, ठीक है। और ये भाई, ओ भाई बहुत लंबा लंबा गुस्सा है, किनके साथ खड़ी है। अब हम आगे जा रहे हैं और आगे में आई थिंक मुझे बैक कैमरा चलाना चाहिए फेस में, अब थोड़ी सी बातें कर ले, बातें चीतें कर ले। तो भाई गाने चल रहे हैं, बल्कि मेले में गाने चलाने की क्या जरूरत है यार, मेले में इतना वैसे शोर शराबा है, आप गाने ना चलाओ यार, बल्कि मुझे दिक्कत आती है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब मैं थोड़ा लाउडली बोलता हूँ तो आप बुरा मत मानना, वो मैं ऐसे बोलता हूँ, गुस्सा गुस्सा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ या लाउडली बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अपन यहाँ फाइन, शुक्रिया। कौन सी देख ली तूने वीडियो, कौन सी? 23 तारीख की, 23 तारीख की, मतलब कि इसने डे 1 देखा था और आज डे 9 है भाई, अभी तो पीछे चल रहा है, आज एक डे 9 पे टेंशन ना ले। तो आज की डे 9 है, ठीक है। अब सोचो 23 दिन मिला है, तो 23 के 23 दिन मैं लगातार वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ, बिना रुके बिना थके, मतलब कि मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत। पर आप लाइक कर रहे हो, ये इतना काफ़ी है, बस लाइक कर दे करो, क्योंकि लाइक मोटिवेट करता है, लाइक इतनी मतलब कि पूरा ब्रह्म सब चक्कर मारने की। हेलो, अरे रुको, बोल ले, कर ले, कुछ करना है भाई, टैट भाई टैट, ओहो टैट चुम्बी मांग रहा है, बताओ बदतमीज बेशरम। जहर जहर जहर, ऐसे नमूने भी मिलते रहते हैं। बाकी आई होप कि आपको आतवार आना चाहिए था, काफ़ी रश है, काफ़ी आप इंजॉय करते हैं और मज़ा भी आता है, मतलब कि थोड़ी भीड़ कम हो, हाँ कहीं कम भीड़ में मज़ा आता है, वैसे भी मज़ा आता है, तो बस बढ़िया आप इंजॉय कर ही रहे हैं। बाकी 10 के 10 दिन आते हैं, आज मैं जल्दी आया क्योंकि 3-4 दिन से मैं नाइट शूट कर रहा हूँ, हाँ तो मार ली भाई ने बस हाथा लाने के लिए, और भाई कैसा है, ठीक है। और नाइट शूट कर रहा हूँ कब से, और मैंने सोचा कि आज मैं सुबह का दोपहर का शूट ले लेता हूँ, जिसके कारण क्लैरिटी थोड़ी बढ़िया आ जाएगी और आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। ये शॉप साफ सारी देख रहे हो, और हाँ कल से ये आ गया भाई तू भी, ठीक है। और कल से गीता जयंती पूरी शुरू हो जाएगी, जिसमें मैं लाइटिंग शो दिखाऊंगा, ठीक है।
एक दिन एक काम करेंगे, जैसे कि लाइटिंग शो, एक दिन में लाइटिंग शो दिखा दिया, एक दिन में दिखा दिया मैंने हरियाणा दर्शन दिखा दिए, क्योंकि हरियाणा दर्शन दिखाऊंगा तो बहुत लंबी लंबी वीडियो होगी, छोटी मोटी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं वहीं से कैमरा शुरू करता हूँ और वहीं से अपना इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पर क्या होता है, अभी लगी है भूख, अभी पापड़ खाया जाए या फिर नमकीन खाई जाए या फिर कुछ बढ़िया सी चीज़ खाई जाए, कैमरा ऑन करके बढ़िया सी चीज़ खाई जाए ना, ठीक है। अभी ये जो थक चुके हैं वो बैठ के रेस्ट कर रहे हैं और हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। और अभी मैं 3 किलोमीटर चल रहा हूँ और 3 किलोमीटर की आपने वीडियो देखी है और उसमें मैंने छोटी छोटी क्लिप मतलब की, जैसे 1 सेकंड काट दिया, 2 सेकंड काट दिए, ज़्यादा नहीं, पर उससे मैं दूर नहीं गया, ठीक है। शॉप नंबर मैंने मतलब की सारी कल अपने क्या करी है, कल वैसे वो कवर करनी है। और आज की वीडियो में मैं फ्लोर पेंटिंग भी कवर करने वाला हूँ, ठीक है। फ्लोर पेंटिंग कवर करेंगे तो उसमें हम सारा कुछ दिखाएंगे, फ्लोर पेंटिंग में कौन ज़्यादा बेस्ट रहा, कौन कैसे मतलब कि फिनिशिंग टच होने के बाद कुछ ज़्यादा बढ़िया लगती है ना, तो वो सी वैसे ऐसे ज़्यादा बढ़िया लगता है ना। तो अभी तो स्लोक चला रखे हैं उन्होंने, ठीक है, और स्लोक पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, तो बस अब कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसे चलेंगे बैक कैमरा। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, मैं इसलिए आगे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डीजे लगे हुए हैं, डीजे में स्लोक चल रहे हैं, वो स्लोक अगर सही पूरे क्लियर आ गए तो उसका कॉपीराइट स्ट्राइक टक नहीं आ जाना, ठीक है। जैसे पट हेडशॉट बजता है कार्नाटी पबजी में, ठीक है, इसी तरह कई तो कार्नाटी लेके घूम रहे हैं, ये चक्कर उसके टॉर्च चार्ज सारा कुछ है, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, धीरे 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 आगे जा रहे हैं, ठीक है, और आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और हम आगे ही जा रहे हैं अब, ठीक है। तो आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी का गेट है, एकदम यहाँ सामने यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से भी आप इधर से भी आ सकते हो, और गेट नंबर ये मुझे पता नहीं है कौन सा है, ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, यहाँ पे मैट शॉप नंबर 5062, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे, पूरी गीता जयंती कवर करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो यहाँ कुछ है जो यहाँ पे भी आयुर्वेदिक मेडिकल से दवाइयाँ दवाइयाँ ही हैं, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, अभी मैं थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ थड़े पे चढ़ के, और जो भाई नमकीन बेच रहा है, ठीक है, वो भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नमकीन ही लोग खाते हैं, नमकीन पापड़, पापड़ नमकीन, ठीक है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ये चक, ओहो इतनी ताकत आ गई तेरे में, गड्डी उठा ली, ओ डर के डर के डर के डर के, डर मत डर मत, नहीं छीनता तेरी गाड़ी। ये छोटे छोटे बच्चे गीता जयंती घूमने आए हुए हैं, और ये पिचू पिचू वाली चप्पल, ओए 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 ओए, चक, ये इसके लिए ऐश हो रही है, आज मैं ऐश करूँगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, इस साइड थोड़ी भीड़ कम है पर उस साइड भीड़ बहुत ज़्यादा है, उधर देखा आपको, जब हम वहाँ पहुँचेंगे आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, ये पापड़ देख सकते हो, आज तो पापड़ भाई ने बड़े बड़े बना रही है, वो भाई निकाल रहा है, ठीक है, ये दोस्तों के साथ घूम रहे ये दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ठीक है। कई जगह मुझे हो जाता हूँ, मैं एंग्री हो जाता हूँ जब मैं ना, जब भूख लगी हो बंदे को और काम करते समय कोई बीच में आ जाए, वैसे मैं जब काम करता हूँ कोई बीच में आ जाए, मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़बरदस्त वाला गुस्सा आता है, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे ही जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स सोचो, अगर आप कैमरे में आ रहे हो और आपको कोई कंटेंट दे दिया जाए तो आप कितना ज़बरदस्त कंटेंट बना सकते हो, उसी के हिसाब से रहता है कि हम भी कुछ भी बोल देते हैं, जो दिल में आता है हम बोल देते हैं, बल्कि आई जाओ बोली जाओ, आई जाओ बोली जाओ, कोई ऐसा मतलब नहीं, सिर्फ बोलते जाओ। बाकी ई रिक्शा, ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, ई रिक्शा अगर आप स्टार्टिंग में लेते हो गेट नंबर 1 से आपको ई रिक्शा मिलता है, और जब पूरा गया था जितने ई रिक्शा में बताएगा, अगर आप तंदुरुस्त हो तो मुझे लगता है कि आपको ई रिक्शा नहीं लेना चाहिए, जो बुजुर्गों के लिए ई रिक्शा होता है कि जवान भी लेते हैं, सॉफ्टी 20-20 रुपये यूट्यूब पर आएगी, बिल्कुल भाई यूट्यूब पर आएगी। भाई पूछ रहा है कि अच्छा अगर मैंने फ़ोटो नहीं ली तो तू नहीं देखी भाई कह रहा हमारी फ़ोटो ले ले हम दोनों की और फिर मैं वीडियो देखूंगा। अब भाई मैंने तेरी फ़ोटो ले ली, अब तू वीडियो देखेगा, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तू कहाँ आएगा ये कैसे पता करेगा, पूरी वीडियो 1.5 घंटे की होगी, हैं वीडियो 1.5 घंटे की होगी, तू कैसे देखेगा, ये भाई कहता मैं आप ही देख लूँगा, ओहो हो पता कैसे लगेगा, तू कहाँ से निकल गया आगे, तो 1 घंटे की ये वीडियो, तुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ इस टाइमिंग पे आया, तो टाइमिंग ये अभी थोड़ा टाइम देख लिया, ये टाइमिंग थोड़ी आएगी इसमें, इसमें तो इसकी खुद की आएगी, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो आएगी, तो कैसे देखेगा, देख ली देख ली देख ली देख लीजिए, ठीक है। तो हाँ बस यही काम है, यहाँ कितनी जनता है, कितनी कितनी की फोटो खींच चुकी, ऐसे हर रोज मुझे मिलता है और हर एक बंदा कहता है कि मेरी फोटो खींच ले,
और मुझे व्हाट्सएप पे घेरती हो, जिस व्हाट्सएप पे तुमने फोटो गिरवानी है उस व्हाट्सएप पे तू खुद ही फोटो खींच ले। किस तो लेंगे? हाँ पर कैमरा तो बस 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 ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और आगे जा रहे हैं। पता क्या होता है, जब मैंने एक बार इसकी फ़ोटो ले ली, कैमरा बैक चला दिया, पर जब बंदा चिचड़ बन जाता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। फिर जब मैं स्लोक चलाऊंगा, चार पांच स्लोक सुनाऊंगा, आप भी सुनोगे, फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। मैं क्या है कि हाँ एक बार कैमरे में ले लिया, कैमरे में ले लिया, ठीक है, अब परेशान हो गया, ठीक है ना। तो एक जने हटे, दो जने आए, चार जने आए, तो मैं बाकी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं खुद का भूल जाता हूँ। जो कमेंट्री होती है वो करनी होती है, वो कैसे करनी है, उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे समझाए, क्या करे, हाँ शुक्रिया भाई। बैक कैमरा चला दिया, ठीक है, अब ये भाई कुछ ज़्यादा बदतमीज हो रहा है। अब मैं क्या होता है कि एक जगह पे प्यार होता है, ठीक है, पर सोचो जो प्यार से नहीं मान रहा तो बंदा कैसे समझाए, ठीक है ना। तो जो भाई थे दो मिनट आए आगे, अपना चले गए आगे, कोई डिस्टर्बिंग नहीं हुई, डिस्टर्ब नहीं करे वो कहाँ के शख्स, ये देख अब ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, तो मैं फिर एडिटेड हो जाता हूँ ना फिर, बल्कि थोड़ा कुछ सोचे, एक बार हो गया तो ठीक है। अब ब्रह्म शो का डे 9 मारेगा तो आज की ये वाली वीडियो स्विमिंग बाय मनीष चैनल है भाई। तो फ्रेंड्स ये भाई सेट मारा है, ये अपनी वीडियो देखिएगा तो बढ़िया है यार, आप बस खुश रहो, एंजॉय करो, ठीक है। पर जब कोई एडिटेड करने लग जाता तो मैं परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। और चलो अब आगे चलते हैं मूड को फ्रेश करते हुए, और बीच में अभी ना एक सेकंड के लिए हम लेंगे ब्रेक। ब्रेक वो कैसे लेंगे आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, बस कैमरा में दो मिनट के लिए बंद कर दूंगा, आपकी तक वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी। और हम ओवरऑल 3 किलोमीटर चल गए हैं। गीता जयंती पे आओ, कुछ खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना ना खरीदो, पर एटलीस्ट आपका एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी, यही काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जब आप गीता जयंती में चल रहे होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। और कहाँ पे ये, यहाँ पे फूल चेक करो, बैकग्राउंड में फूल बहुत अच्छे हैं। एक फ़ोटो खींच लिया है, फोटो मैं चलती चलती वीडियो में फ़ोटो खींच सकता हूँ, पर मैंने फ़ोटो खींच नहीं, क्योंकि मुझे फ़ोटो खींचने का शौक नहीं है, तो मैं कम फ़ोटो खींचता हूँ। भाई खांसी कर करके आ रहे हैं, तो मुझे फ़ोटो खींचने का शौक नहीं है, मैं वीडियो बनाता हूँ। गिर दिया तुझे, गिर दिया बताओ, गिर दिया तो उसको खड़ा भी कर दो, कोई बात नहीं। तो ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ छोटी छोटी चिड़िया भी है, सिर्फ ये फूल नहीं है, उसके ऊपर चिड़िया भी बिठा रखी है, एक टैलेंट दिखा रखा है, चिड़िया नहीं है, इसके ऊपर फूल भी रखे रखे हैं, ठीक है। और बस अब हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं, अब हम मतलब कि क्रॉस वहाँ से चले थे और वो ख़त्म करने पे लगभग तिदार के पास आ गए हैं, बहुत पास आ चुके हैं, ठीक है, बहुत पास आ चुके हैं। और अब मैं कुछ खा लूँ नहीं तो मुझे गुस्सा आने लग जाएगा, बीपी हाई होने लग जाएगा, तो अभी कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई होने लगेगा, क्योंकि अभी मेरा ना थोड़ा हेडेक होने लग गया। और यहाँ क्या है, मूंग दाल के पकौड़े, मूंग दाल के पकौड़े, बल्कि आपने अजब प्रेम की गजब कहानी देखी है, हाँ वो कैटरीना का भी यही पकौड़े खा रही है, तो देखते हैं अभी। मूंग दाल के पकौड़े हैं, ठीक है, और ये पता नहीं कितनी 10 प्रकार की दाल से बने हुए हैं, 9 प्रकार की दाल से बने हुए हैं ये मूंग दाल के पकौड़े। अभी मैं यही खाने वाला हूँ, पर मैं एक ही खाऊंगा, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं एक ही खाऊंगा। और ये क्या है सर, रागी डोसा सर, रागी आटे से बनता है डोसा, अच्छा डोसा, रागी डोसा, जैसे अपने उत्तर भारत में बाजरा होता है गर्म अनाज होता है, वैसे दक्षिण भारत में रागी होता है गर्म अनाज होता है। ये बताया सर ने, देखिए भाई मुझे थोड़ा पीछे होने दे, शॉप कवर करने दे। तो फ्रेंड्स ये शॉप नंबर देख सकते हो 725 है, ठीक है, और जहाँ मूंग दाल के पकौड़े, मूंग दाल के नहीं, ये दरअसल के ना 9 सब्जियों के से मिक्स करके, नहीं नौ धान के आते हैं, धान जैसे राजमा, ये चेक कर सकते हो, अपा ये खाएंगे। और जो चटनी है किस चीज़ से बना रखी है, अच्छा जी साउथ का, अच्छा बल्कि डोसे वाली साइड वाली साइड में से आ जाते साउथ में ये। तो फ्रेंड्स भाई एक पकौड़ा मुझे दे दे, मैं 10 रुपये तुझे खुले दे देता हूँ भाई, मैं टेस्ट करूँगा पहले, ठीक है, और ये शुक्रिया आपका बहुत बहुत, ये हम टेस्ट करेंगे। और मैं अभी हमने ले लिया मूंग दाल का पकौड़ा, और मैं जा रहा हूँ पीछे बैठ के आराम से तसल्ली से बैठ के खाएंगे, सो के एकदम नेड़े, ठीक है। शॉप नंबर आपने देख लिया, गर्म गर्म पकौड़ा है और गर्मी ही मुझे लग रही है, तो अभी हम मूंग दाल का पकौड़ा खाएंगे। मूंग दाल पता नहीं, मूंग दाल का पकौड़ा नहीं है ये, है ना 9 धान का पकौड़ा है। और देखो मतलब गलत ब्रह्मशोर पर गंद पाया हुआ, ये बात गलत है ना, अभी इन्होंने खाया हुआ है तो ये उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए ना, तो डस्टबिन जहाँ पर एक गाला है डस्टबिन हर एक शॉप पे होना चाहिए। तो अभी हम साफ़ सुथरी जगह पे बैठेंगे, अगर आपने गंद पा दिया तो आप बैठोगे कहाँ, ये भी तो सोचो। पर हम डस्टबिन में डालेंगे, अपना काम है डस्टबिन में डालने का। अभी हम यहाँ बैठेंगे, और ये मूंग दाल का पकौड़ा रख दिया,
और हम ही मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बैकग्राउंड से कैमरा भी दिखा देता हूँ, और मैं अभी मूंग दाल का पकौड़ा खाऊंगा, तो फिलहाल इसको सेट कर देता हूँ, मैं ट्राईपॉड स्टैंड को सेट कर देता हूँ, तो मैं आपको बैक भी दिखाऊंगा, बैक व्यू भी दिखाऊंगा, और एक मिनट मैं सेट कर लूँ। मैंने ट्राईपॉड सेट कर लिया, अभी मैं मूंग दाल का पकौड़ा खा रहा हूँ, इसका टेस्ट कैसा होगा मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा कि आप मेरे को पैसे खर्चने या नहीं खर्चने। ठीक है, पकौड़ा सही लग रहा है, मुझे लगता है दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, और मैं कहाँ बैठा मैं दिखा देता हूँ, शॉप नंबर मैंने दिखा दिया। ठीक है, इधर है ब्रह्म सरोवर, यहाँ बैठ के खा रहा हूँ। सपोज करो ये भाई आ गए, ओह आ जाओ भाई इधर ही आ जाओ, पर मैं दूंगा नहीं पकौड़ा, नहीं दूंगा आ जाओ बैठो यार, कंपनी दो, कोई चक्कर नहीं भाई, मार बीच में कर ले। हाँ स्विमिंग नहीं, इधर आ जाओ ना, इधर सारा कवर हो जाएगा इधर। हाँ तो हाँ, आपने जो अपना इंटरव्यू देना दे दो, मेरे से ये ले लो बस। चलो आप कहाँ कहाँ से हो ये बताओ, अपना अपना नाम बताओ, पर ज़्यादा दूर मत लेके जाना, टूट जाएगी जगह। मैं गौरव हूँ कुरुक्षेत्र से, यहीं से भाई। ये भाई कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से ही है। मैं देवेंद्र हूँ कुरुक्षेत्र से, स्विमिंग भाई मानी और टेक्निकल मानी दोनों चैनल देखता हूँ, आपको बहुत बड़े फैन हैं हम। थैंक यू भाई, देखते हैं जो भी देख रहे हो आप, इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना भाई, भाई की बात पे बहुत मेहनत कर रहा भाई मैं रोज इनका वीडियो देखता हूँ, मैंने भी इनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप भी जरूर कर देना भाई। भाई मैंने सिखाया नहीं है भाई, मैंने सिखाया नहीं, वो खुद बोल रहा है, रोज देखते हैं वीडियो, ऐसी बात नहीं। शुक्रिया भाई शुक्रिया, देख के जब पहचान लिया तभी हम उठ के आ गए। शुक्रिया भाई शुक्रिया, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये पकौड़ा बहुत स्वाद है, आप खा सकते हो, ज़्यादा मत खाना पचा नहीं पाओगे क्योंकि ये ओरिजिनल दाल के है, ओरिजिनल वो है, हमें आदत पड़ी है बर्गर मोमोज खाने की। ठीक है, पर मैं नहीं खाता, मैं पचा लूँगा, इसलिए मैं एक ही खा रहा हूँ, ज़्यादा मत खाना। आप लोकल हो यहीं से? मैं बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, पर 4-7 साल हो गए मैं कुरुक्षेत्र में रह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब खा के दिमाग में गुस्सा आ रहा था, अब ठीक है, बीपी हाई हो रहा था, भूख के कारण हो जाता है बीपी हाई, अदरवाइज तो सही रहते हैं। बहुत बढ़िया है, मुझे पकौड़ा खा के मज़ा आ गया, इसको डालेंगे डस्टबिन में, मेरे पास एक और पड़ा हुआ है उसको मैं डस्टबिन में डाल दूँगा, क्योंकि जहाँ तक खा जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना भाई, अब मैं चलता हूँ भाई, दो इजाज़त मुझे, ओ लिप्रकार शुक्रिया 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 सब्सक्राइब करने का। हाँ ये कल मॉर्निंग में आएगी, क्योंकि ये वीडियो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज भीड़ थी ना काफ़ी। बाय बाय गाइस, ओके थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये कूड़े की वो जा रही है, हम इसमें डाल देंगे, ये देखो हमने उसमें डाल दिया, और पकौड़ा स्वाद था, और चटनी, जिस चटनी में स्वाद भाई, यार वीडियो बनाओ मेरे साथ, वो वीडियो बना लिया, पर बात क्या थी, प्यास तो मुझे अभी भी लगी हुई है भाई डोला दिखा रहा है। बेस्ट फ्रेंड यू आर कहां से? दिस इज वेरी क्वेट बुली एंड दिस इज वेरी राइट। हां भाई की इंग्लिश मुझे नहीं पता थी क्या थी, क्योंकि अपनी इंग्लिश भाई बहुत अच्छा भाई रहे। लाइक करियो भाई, ना लाइक करियो, शेयर करियो, टिकटॉक स्टार है भाई। ठीक है भाई, भाई को ये नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, जो दिल में आ रहा वो बोल रहे थे, चलो अच्छा लग रहा था, जो भी है 3-4 चले गए, 4 बजे चढ़ रहे थे, अब हम आगे जा रहे हैं, और पकौड़ा बहुत स्वाद था, पकौड़ा स्वाद था, मैं सोच रहा हूँ वो रोटी से भी खाई ना जाए, रोटी भी खाई लेते हैं, उसका टेस्ट करके मैं आपको बता ही देता हूँ कैसी है कैसी नहीं है, तो एक रोटी भी खाई लेते हैं, डिस्काउंट मांगेंगे, डिस्काउंट दो भी, हमने वीडियो बना ली, कोई डिस्काउंट खान के मन नहीं यार, इतनी दूर से आए इन्होंने काम करना है, एक रोटी खा ली तो खा ली, क्या फ़र्क पड़ता है, पर अगर प्यास लगी फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, अभी क्या है, अगर मेरे साथ कोई होता, ठीक है, कोई डिस्काउंट दे के आ जाएगी। भैया रोटी से कितने की है? 10 रुपए का एक रोटी दे दे, मैं अगर डिस्काउंट भी मंगूंगा क्या 2 रुपए का मंगूंगा, 8 रुपए मिलेंगे, खाने उतने डाल ले उधर से, नहीं अपना भाई ये वाली मांग रहा हूँ मैं। हाँ गरम करके देना है, तू जैसे मर्जी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, गरम करके दे दिया तो मैं अभी अभी जो मैं खा रहा हूँ ये वाली ये रोटी सी खा रहा हूँ, और रोटी को पता नहीं क्या डोसा बोलते हैं, कौन सा डोसा पता नहीं कौन सा डोसा बोलता है, 40 रुपए प्लेट है, ये 2 प्लेट ले लो, ये ले भाई। हाँ सर, ये लो भैया, ये भैया दे रहे हैं मुझे, ठीक है भैया आज रात को लेके आप लो भैया, नहीं 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 ले ले यार, ऐसा बात नहीं है यार, भाई कहता रहने दे, फुल डिस्काउंट, ठीक है भाई शुक्रिया भाई तेरा। ओ कितने का ये?
बात गलत है चालीस का बोला अभी दस का बोला वो राखी डोसा 40 रुपए का है डिस्काउंट मुरा 40 रुपए का 30 रुपए का डिस्काउंट शुक्रिया भाई शुक्रिया यार शुक्रिया भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज रात आज कल सुबह आ जाएगा तू आप पक्का थैंक यू भाई तो भाई मुझे नहीं पता था ये 40 का है मुझे उसने 10 का बोला वो छोटी सी ब्रेड दे रहा था शायद वो 10 रुपए की थी जो शॉप नंबर मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ 725 नंबर शॉप है ये खा के देख रहा हूँ पर ये ठंडी है और ठंडी कह रहा था गर्म कर दूँ पर मुझे गर्म खाने का मन नहीं था मैं ठंडी ही खानी है ठीक है और शॉप नंबर 725 है इसका टेस्ट बताऊँगा कैसा है और भाई ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा था भाई कहता मैंने तुझे सब्सक्राइब कर रखा है और अभी इसका खाऊंगा तो टेक्निकल लवली मनी और स्विमिंग बाय मनी भाई मेरे ये दो चैनल है भाई गौर से पढ़ रहा था YouTube पे गिरेगा हाँ YouTube पे गिरूंगा भाई के नाम तेरे चैनल का ये जो टी शर्ट के पीछे तू ओखा होकर पढ़ रहा था यही था स्विमिंग बाय मनी क्यों पढ़ता हर कोई स्विमिंग बाय मनी क्यों नहीं पढ़ता ये यहाँ पे रख लो ये गाने कौन चला रहा है तो भाई ये डोसा 40 रुपए का है पहले तो भाई पैसे नहीं ले रहा था मैंने बोला 10 रुपए का है फिर उसने मुझे 40 रुपए वापस कर दिए 30 रुपए वापस कर दिए और बल्कि 40 रुपए वापस कर दिए और ठंडा ही डोसा ले लिया मैंने गर्म नहीं लिया और डोसा ठीक है कितने सब्सक्राइबर हैं मेरे स्वाद है भाई यही कुछ 500 है 500 सब्सक्राइबर है तो अभी मेरे 501 सब्सक्राइबर होने वाले हैं ठंडे में तो मुझे ठीक लग रहा है बाकी गर्म में जो और टेस्ट लग गया गर्म मैंने करवाया नहीं था टाइम वेस्ट होना था वीडियो लंबी हो जाती कोई फ़ायदा नहीं था के नाम है दोबारा भाई भी मेरा जैसा ही है इंग्लिश वीक पर हेल्दी है ये चीज़ हेल्दी है बाकी टेस्ट आपको करना चाहिए कुछ अलग मोमोज छोड़ के चाउमिन छोड़ के टेस्ट इधर से वेदर अच्छा लग रहा है ना और काफ़ी अच्छा लग रहा है मैंने सोचा 4-5 रुपए का डिस्काउंट होगा 30 रुपए का फ्री में दे रहा था अच्छा लगता है और मुझे पता नहीं था 40 का है उसने पैसे पकड़ा दिए फिर मैंने कहा डालो जेब में अब क्या करना है चैनल सब्सक्राइब करो पहला तो कौन सा चैनल है यूट्यूब पर ये वीडियो बाइक कर रहा है प्रमोशन मेरी कौन सा चैनल है कि बाइक का मेरा चैनल सब्सक्राइब करो बाय स्विमिंग बाय मनी चैनल है यो घर में कर बाकी खाना ये टेक्निकल लवली मनी है भाई दूसरा दूसरा ये इस पर वीडियो नहीं आनी रुक जाएगी कोई लेटेस्ट फोन आएगा तो ये पता चल जाएगा कि भाई इसके अनबॉक्सिंग है मेरा ही है ये भी मेरा ही है मन लगता है ये वीडियो इस चैनल पे नहीं आनी बढ़िया से ऑफर ये दूसरे चैनल पे आनी है 15-20 तो 11 प्रो मैक्स पता नहीं भाई ऑनलाइन ब्रांड के बारे में नहीं पता जब बाहर तो ले आके बेचा कितने बिकेगा पता नहीं भाई वो 1,00,000 कुछ समथिंग का है मुझे एप्पल का पता नहीं है तू बाहर तो ले आके बेच दे जिन्हें मर्जी तेरी मर्जी है पर डिमांड करके भी चल रहा है कि नहीं चल रहा यार दिल की साहब घर क्या प्रिंस मेरे नानी भी प्रिंस हो गए उधर अनोर भी ठीक उसको गर्म करके यार टेस्टी लगेगा क्या ठंडे में ठीक ठीक लग रहा है और गर्म में बहुत अच्छा लगेगा ये ठीक है भाई ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया मेरा टेक्निकल लवली मनी पर उनको ये नहीं पता कि ये वीडियो मेरी स्विमिंग बाय मनी पे आनी है पता लग जाएगा जब मेरा दूसरा चैनल देखेगा ना तो अपने आप पता लग जाएगा वेदर का लो नज़ारा मैं हो गया एक साइड में ठीक है पूरा नज़ारा लो इसको बैक में रखूँगा ज़्यादा बड़ी लगेगा ना यहाँ पर सीधे ये सही है टेस्टी है इसको खा के पेट भी भर जाता है 40 रुपए के मोमोज खाने से बेटर है ये ज़्यादा बढ़िया है वैसे मोमोज मुझे मिनिश जबरदस्ती खिलाता है और वो भी महीने में एक आधी बार या दो बार या हफ्ते में एक बार नहीं पर महीना तो क्रॉस हो ही जाता है जो मनीष का शेड्यूल रहता है ना वो गिना चुना रहता है और गिने चुने में हमारे मज़ा नहीं आता ठीक है ना तो हमें मज़ा आता है
अच्छे से काम करने का, क्योंकि अगर खाना है दबा के खाओ, अगर नहीं खाना तो बिल्कुल ही ना खाओ। अपना कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा रहता है। और अभी हमने दो काम करने हैं, एक तो हाथ धोने हैं, दूसरी बात कि इसको डस्टबिन में फेंकना है। तो डस्टबिन अभी हमारे पास है नहीं, तो इसको हम हाथ में रखेंगे और ट्राईपॉड जो बड़ा किया था उसको छोटा कर लेंगे और मोबाइल को सेट करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने डस्टबिन देखना है कहाँ पे है, ठीक है। और प्यास भी लग गई है, कैमरा पास में ज़्यादा ओड लग रहा होगा ना, तो चलो अब कैमरे को थोड़ा दूर कर देते हैं। ये हमारा जी, मैंने अब कैमरा सेट कर लिया, जिसको हाथ में पकड़ा हुआ है। आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी, कैसी नहीं आ रही। और बीच में हल्का सा कारण ओझले का गाना आया था, पता नहीं कौन सा आया था, हिंट गाना आया था, हिंट गाना लगाया हुआ था। और हिंट गाना काफ़ी अच्छा है, मैं भी सुनता हूँ। ये बोले इसके हेडफोन लगाते हैं ना, जब आपस में जुड़िया जुड़ी गए। स्विमिंग बाय मनी भाई, मतलब कि मेरे चैनल का नाम इतना मुश्किल है, कुछ आसान सा नाम रखना पड़ेगा। लोग टेक्निकली पढ़ पाते हैं, और लवली की तो स्पेलिंग सबको आना चाहिए, वो अनपढ़ भी पढ़ रह सकता है, पर एल वाई पाया है सारा, लव ही पढ़ ले, लव ही पढ़ ले, कोई चक्कर नहीं है। जनता डालेगी कहाँ, पाँच पास पास कोई डस्टबिन ही नहीं हैगा, डस्टबिन इन्होंने बहुत दूर रखे हैं, इनको हर एक ब्लॉक पे हर एक दुकान के बाहर डस्टबिन होने चाहिए, तभी तो ये कूड़ा कम होगा। बंदा सोचता है कि कहाँ तक उठा के घूमेंगे, ठीक है ना, पर ऐसा नहीं है, हमें अपना देश खुद साफ करना है, ठीक है। तो हमें गंद नहीं पाना, तो हम अपना देश खुद ही साफ करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो हमें अभी ब्लॉक ढूंढ ही लेंगे, डस्टबिन ढूंढ ही लेंगे, और हैंड वॉश भी करने हैं। मेरे हाथ में ये काला काला लग गया, ये आप देख सकते हो, क्योंकि रोटी का जो रोटी का होता है ना, जैसे अगर रोटी खाते हैं बुरा होता है जो आटी का, वो लग जाता है। तो अभी बस अभी ये हम फेंकेंगे, और उसके बाद मैं इसमें कवर करने वाला हूँ रंगोली फ्लोर पेंटिंग। अब मैं काफ़ी दूर तक आ गया, इधर ये फ्लावर पॉट पड़े हुए हैं, अगर आपने लेने हो, ठीक है। शॉप नंबर 700 कुछ शॉप्स हुई, जिसमें 3D फोटो दिखाते हैं, बहुत औसम है वो, ठीक है, आपको फिर से दिखाऊंगा मैं, ठीक है। मैं पीछे जाकर आपको दिखाता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है, एक बार फिर देखेंगे आज कुछ नया आया उसमें कि नहीं आया, ठीक है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है। 3D वो शॉप नंबर मैं भूल गया कौन सी थी, शॉप नंबर कौन सी थी, वो इधर ही शॉप नंबर थी कोई, और शॉप नंबर मैं भूल गया कौन सी थी, वो शॉप थी वही पता लग जाएगा। अभी मैं कैमरे में मेरा ध्यान था ना, तो मैंने इधर फोकस नहीं किया, और शॉप नंबर मिल जाएगी। हाँ जी भाजी, बढ़िया भरा, तुम सुनाओ। मैं कमेंट किया था कि साड़ी शॉप है वो 3D वाली। हाँ अच्छा, मैं उसी शॉप पे जा रहा हूँ। अरे वाह, ओ मैं देखो आज कोई नई फोटो आई है नहीं आई, शॉप नंबर कौन सी बताइए। 743, ठीक है। मैं अभी मैं ना निकल गया, मैंने वो देखने थे आज कुछ नंबर भी मांगे जी, नंबर नहीं दे सकता मैं ऑनलाइन, नंबर नहीं दे सकता। अच्छा, भाई नहीं, मैं क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी थी ना। अच्छा, तो दस ही है उठे भी दस रही थी कि नंबर कॉल जानते हैं, बहुत कॉल आते हैं बाकी। हाँ क्या कहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम 3D शॉप, ठीक है, ये मैं तीसरी बार कवर कर रहा हूँ, ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब कि 3D मैंने ना, और कोई बात नहीं भाई, ये मुझे ना, ये इसमें जो अगर आप फोकस करते हो इसमें अगर आप फोकस करोगे, इसमें आपको दिखेगा भगवान कृष्ण जी है, जटाऊ के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे हाथी है, और उसका मगरमच्छ ने पैर मुंह में डाला हुआ है, हाथी भगवान कृष्ण जी को विष्णु जी की स्टोरी है वो दे रहा है, क्या दे रहे हैं, गुलाब कमल का फूल दे रहे हैं, गुलाब का फूल दे रहे हैं। ये एक्चुअली एक स्टोरी है विष्णु जी की, जिसमें भगवान विष्णु अपने भक्त हाथी होता है उनका भक्त, उसको बचाने के लिए उसकी पुकार पर आते हैं, उसको बचाने के लिए गरुड़ के ऊपर बैठकर, अच्छा, और उसका पैर पकड़ा हुआ नीचे मगरमच्छ ने ऐसा उसको दर्शाया गया। अच्छा, मेरे की मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, स्टोरी कुछ हो रही है, विष्णु जी है लगभग, विष्णु जी है कृष्ण भगवान की जगह। अच्छा, और ये सभी डिजाइन लगभग किसी न किसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड होते हैं। अच्छा, डिजाइन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप इस मेरी, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ, अगर मेरी वीडियो को आप थोड़ा सा स्टॉप करके आप इसके ऊपर एक मिनट फोकस रखोगे तो आपको आएगा, नजर आएगा, क्योंकि मैंने इसको खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है, और बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है कि हाँ मैं अगर मेरी वीडियो में किसी ने अगर देखना हो 3D तो देख सकता है। अगर आप इसको गौर से ऐसे करके एक दो मिनट देखोगे, मैं तो वैसे बहुत जल्दी देख लेता हूँ क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, देखा हुआ है मैंने बहुत बार, 3-4 बार देखा, और मैंने बचपन में एक बार देख लिया, अभी मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ देख जाता हूँ, तो मुझे वैसे ही काफ़ी किस जगह का पता है। तो इसका जो शॉप नंबर है वो आपको मैं 743, मतलब कि ये आपको दिखा देता हूँ, ये आप फोकस कर देता हूँ,
अच्छा जूम नहीं होगा, ये 743 शॉप नंबर है। ये भाई आ गया, बड़ा एक्साइटेड हो रहा था आने के लिए। ये मैम ने रोक रखा था कि नहीं वो वीडियो बना रहे हैं मत जा, पर कोई बात नहीं भाई वीडियो देखता है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई। तो ये भाई वीडियो देखता है और इस फोटो पे आ गया, जब आप देखोगे ना तो मुझे बताना अच्छी लगी कि नहीं लगी, रेटिंग देना कि हाँ अभी शॉप के हिसाब से कितने रेटिंग मिलते हैं इसको। और ये बड़ी फ़ोटो में देखना आसान है ठीक है, और थोड़ा दूर से देखना, एकदम पास से मत देखना, जितनी फोटो छोटी रहेगी उतने पास से देखना। मैं एक बार देखूंगा, मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने हाथ धोने हैं जाके, मैं यही से पाया अभी तो मैंने डस्टबिन में ये भी नहीं डाला, कोई आसपास डस्टबिन नहीं है। तो चलो अब बैक, जो मैंने 3D फोटो देखी थी या दिखाई थी वो वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें बेनिफिट रहता है कि उसमें क्या बेनिफिट रहता है मैं बताता हूँ। एक तो आपके कॉन्सेंट्रेट, आप कितना कॉन्सेंट्रेट एक चीज़ पर कर सकते हो, कितनी दूर कितनी देर तक कर सकते हो, ये बहुत अच्छी है। और बाकी बहुत अच्छे है, अगर आप रनसो पर आ रहे हो यहाँ पे जरूर आना और देखना। और हाँ, वो जो खाया ना मैंने वो भी खा के देखना, पर एक ही खाना, ज़्यादा मत खाना क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो आपको लूज मोशन लग जाएगी, ये गारंटीड है। अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो नहीं लगेंगे। और बस आज की गीता जयंती चल रही है और अभी शाम के काफ़ी टाइम हो गया, हम लेट हो गए। और बस अभी मैं जो पास में पहुँच रहा हूँ उसके फ्लोर पेंटिंग में, आपको सारी क्लियर फ्लोर पेंटिंग दिखाऊंगा, वो बात अलग है कि फ्लोर पेंटिंग में अब काफ़ी जने चल गए होंगे वो थोड़ा अलग लगेगा। तो फ्लोर पेंटिंग बैकग्राउंड म्यूजिक में सुनाऊंगा ठीक है, और कमेंट्री करके भी दिखाऊंगा, दोनों दिखाऊंगा। और नेक्स्ट जो कल आएगी उसमें गीता जयंती तो कवर करूँगा करूँगा, उसमें नेक्स्ट में फ्लोर पेंटिंग स्टार्टिंग से हम फ्लोर पेंटिंग करेंगे। और जो क्या कहते हैं वही जो मैं बोल रहा हूँ वही वो गीता हरियाणा द्वार कहाँ तक पहुँचे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा ठीक है। तो बस इसमें गीता जयंती में सबसे बेस्ट मुझे वो अच्छी लगी, जो 3D पेंटिंग और जो मैंने अभी जो खाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है। और जो पीछे मेरा नाम ले रहे हैं तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा बढ़िया लगी ठीक है, मतलब कि पूरी गीता जयंती में जो मुझे खास लगा, जो अलग लगा मुझे, पिछले साल ये नहीं था और नहीं था, मैं वैसे गीता जयंती घूमता हूँ, इस साल ज़्यादा घूमा हूँ, वो चीज़ मुझे बाकी मतलब बचपन में मुझे अच्छी लगी थी, मतलब कि कंसंट्रेट करना चीज़ पे, वह मेरा रहता ही है, मैं जब भी किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करता हूँ वो काम मैं अच्छे से पूरा कर देता हूँ। जैसे कि अब मुझे कंफर्म है, फाइनल है कि कुछ भी हो जाए मुझे हर रोज़ की एक वीडियो देनी है गीता जयंती की, तो बीच में कुछ आ रहा है आता ही नहीं है पहली बात, तो हाँ जैसे शॉप पे जाना है, नुकसान हो रहा है, शॉप क्लोज पड़ी है, तो ऐसा नहीं होता। टिकटॉक पे फॉलो कर लो कहानी, तो ये देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे गीता जयंती देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो अभी भीड़ कितनी है ठीक है वो आपको दिखाते हैं। तो अभी बैकग्राउंड ये कैसे ऐसे मैं फ़ोटो खिंचाऊँ कैसा लगूँगा, नहीं खिलानी मैं फ़ोटो नहीं खिंचानी ठीक है। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया है, तो अभी मैं बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ, ये स्कूल होगा या कॉलेज होगा, ये स्कूल होगा आई थिंक, इधर फोटो में खींच रहे हैं ठीक है। और इधर मेला देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में मेला, आज की फ़ोटो पता नहीं क्या होगी, आज कहर वाली फ़ोटो होगी ठीक है, पता नहीं क्या होगी फ़ोटो, नहीं पता क्या होगी थंबनेल। वैसे तो मेरे सारे थंबनेल में फीमेल्स आती हैं, किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो क्या कर सकते हैं, अभी थंबनेल ऑटो करेक्ट होता है, मतलब कि ऑटोमेटिक वो एक्सेस करता है, गूगल की एल्गोरिथम में जो थंबनेल एक्सेस होता है वो क्यों होता है मैं बता देता हूँ। वो थंबनेल वैसे ही आता है कि जो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने देखा तो तुरंत क्लिक कर दे, ये देखो पीछे लंगूर की तरह हरकतें कर रहा हूँ, कोई मतलब बनता है तुक बनता है। तो क्या होता है अब मैं बैक कैमरा चलाता हूँ भाई को, मतलब करने दो जो करना आपने करने दो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ करने दो। हाँ भाई वीडियो बना रहा हूँ, ये भाई कुछ कर रहा है, लाइव नहीं चल रहा हूँ भाई मैं वीडियो, भाई तू ही पीछे हरकतें कर रहा था, मैं क्या तेरे पे फोकस कर दूँ, मैं बीच में आ रहा था डिस्टर्ब हो रहा था, तू तू ही आ रहा है तेरे पे फोकस है। भाई अब बस अब पीछे कोई नहीं रहा, अब तू उधर था अब तू इधर आ गया, अब क्या देख रहा है हरकतें। तो फ्रेंड्स बहने भी तो थी, हाँ तो आप मेरे बारे में जान सकते हो, मेरे बारे में क्या जानना है। हेलो फ्रेंड्स मैं मनी, जैसे आप मुझे जानते ही हो, टेक्निकल लवली मनी स्विमिंग बाय मनी जा रही थी। तो फ्रेंड्स भीड़ कितनी आप पीछे देख रहे हो, थंबनेल के ऊपर मैं कंसंट्रेट कर रहा था, थंबनेल गूगल अपने आप एक्सेस करती है और मुझे पता लग गया कि थंबनेल गूगल ने क्या निकाल के देना है, तो मैं उस थंबनेल को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, जिसमें उसके अंदर अगर अंधेरा होता है उसको क्लीन कर देता हूँ,
जैसे किसी लड़की के पिंपल्स होते हैं या काला पीला चेहरा होता है या कुछ अंदर आगे आ रहा है वो सारा क्लियर करके मतलब ओवरऑल फोटो के ऊपर ना एक क्लियर करके ब्लैकनेस हटा के उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर देता हूँ। टी शर्ट के पीछे लिखा भाई 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 ये ऐसे ही आएगी कुछ कट नहीं होगा इसमें ऐसे ही आएगी और ये एक घंटे की वीडियो होगी देख लेना तू कहाँ पे आएगा एक ढाई घंटे भी हो सकती है हैं भाई ये कैमरा चल रहा है अब आप जो कर रहे हो कैमरे में देखेंगे वो कमेंट करने वाले बताएंगे कि बेइज्जती हो रही है इज्जत हो रही है ये तो मैं नहीं बता सकता ना मैंने कुछ गलत नहीं बोला आपने कुछ गलत नहीं बोला ठीक है ना अंधेरा क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा क्या गाली आ जाएगी चार नहीं आएगी आपको तो रिप्लाई तो मुझे ही करना है तो आगे भाई अब मैं वीडियो बना लूं ठीक है ओके तो फ्रेंड्स क्या होता है ये बैकग्राउंड में चिड़िया उड़ रही है जो ऑसम लगती है कभी ये हर रोज ऐसे ही करती हैं हर रोज इनका रूटीन है इन्होंने हर रोज ही उड़ना है तो फ्रेंड्स ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगा वीडियो में थंबनेल के बारे में बता रहा था कि थंबनेल में क्लीन करके उसको अच्छे से एक फिनिशिंग टच देता हूँ जिसके कारण थंबनेल अच्छा लगे ठीक है और थंबनेल में ऐसा कुछ नहीं होता कल्ला यार मैं कल्ला तो नहीं लगा 50,000 जने लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़ ये 50 में ये 53,000 आ गए ठीक है अब मेरे पीछे देखो चिड़िया कहाँ गई बस तो फ्रेंड्स ओवरऑल जैसे कि बस यही चीज़ है आप YouTube के एल्गोरिथम को जैसे आप अगर YouTube पे काम करते हो उसके एल्गोरिथम को समझोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे ठीक है बाकी ओवरऑल किसी ने कहा तो नहीं है पर फिर भी मेरा एक क्लियर करना मोटिवेट था मुझे दिवांश ने बोला था कि भाई तू Facebook पे वीडियो डाल रहा है या ऐड कर रहा है अपनी तो फीमेल्स की फ़ोटो क्यों लाई है उसका बारे में उसको नहीं पता था मैं चाहता हूँ कि आप सबको पता चल जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है ऐसा क्यों होता है ठीक है ना थंबनेल ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट होता है कभी आप वीडियो अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली थंबनेल उठाता है तो हमें वो थंबनेल अपने आप भी हम क्रिएट कर सकते हैं तो वो थंबनेल क्रिएट करना है जिसके कारण हमारी वीडियो रैंकिंग में आए जो हम मेहनत कर रहे हैं और आपको देखने में मज़ा आए पर वीडियो में कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए ठीक है और सारी बढ़िया होनी चाहिए ओवरऑल सारी बढ़िया होनी चाहिए ठीक है ना बाकी कॉन्सेप्ट में मेरा क्लियर रहता है बैकग्राउंड में नहीं रहता ये पीछे आना चाहते थे पर फीमेल्स है तो इसलिए नहीं कह सकते ठीक है पर मैंने कब कर लिया ठीक है और ये चीज़ होती है कईयों को होती है कि हाँ भी वो चीज़ ऐसे क्यों कर रहा है ओ ये ओ बढ़िया लगा ना बहुत बढ़िया लगा ना तो एक और ए, 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 ओ ये अगर फ़ोटो खींची जाए तो कितनी बढ़िया फ़ोटो आएगी ठीक है तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैं गीता फ़ोटो एक खींच ली मैंने फ़ोटो खींच ली बहुत अच्छा आ रहा है बल्कि यही चिड़िया ऐसे वाले जैसे आप बोल रहे हैं ना चू चू की आवाज़ सुन रही है नहीं सुन रही है मुझे पता नहीं है पर ये उस पेड़ पे बैठ जाती है फिर ये चू चू करती है बहुत अच्छा लगता है हालांकि साउंड ज़्यादा होती है पर अच्छा बहुत लगता है तो अब हम आगे जाने वाले हैं और गेट नंबर एक आने वाला है जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया था वो गेट नंबर दो था जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो चलो अब आगे चलते हैं ठीक है वीडियो बहुत लंबी आ रहे हो पर आर पीट से रहे हो बैक साइड आ रही है दो मिनट हाँ और क्या कहते हैं थंबनेल यही आएगा जो इन्होंने दिया काफ़ी अच्छा थंबनेल दिया ठीक है तो अभी हम आगे जा रहे हैं और होता है आप ही आ रहे हो अब आप भी आ रहे हो अब आप भी आ रहे हो आप सारे आ रहे हो अभी गीता जयंती बढ़िया एंजॉय कर रहे हो ये सारे गीता जयंती एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं ठीक है और बस ये सारे एंजॉय कर रहे हैं गीता जयंती बहुत एंजॉय कर रहे हैं आ रहे हो पर आर पीट से रहे हो बैक साइड आ रही है दो मिनट हाँ और क्या कहते हैं थंबनेल यही आएगा जो इन्होंने दिया काफ़ी अच्छा थंबनेल दिया ठीक है तो अभी हम आगे जा रहे हैं और होता है आप ही आ रहे हो अब आप भी आ रहे हो अब आप भी आ रहे हो आप सारे आ रहे हो अभी गीता जयंती बढ़िया एंजॉय कर रहे हो ये सारे गीता जयंती एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं ठीक है और बस ये सारे एंजॉय कर रहे हैं गीता जयंती बहुत एंजॉय कर रहे हैं थंबनेल हो गया क्लियर अभी जो आपने थोड़ा सा पार्ट पीछे देखा जो गर्ल्स ने ऐसे किया स्माइल करके वही पार्ट वही थंबनेल आएगा और काफ़ी बढ़िया है अगर आप गीता जयंती आते हैं एंजॉय करते हो हंसते हो खेलते हो तो काफ़ी बढ़िया लगता है ठीक है और बस अपा मेहनत कर रहे हैं अपा अपनी वीडियो बना रहे हैं
आज रश था और मुझे पता था कि आज डिस्टर्बिंग भी होनी है और बस मैं ये भाई मेरा नाम पढ़ रहे हैं, रुक जाओ दो मिनट, हाय। तो बस आगे अब थोड़ा अंधेरा, फेस पे अंधेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि बैक साइड से रोशनी आ रही है। अगर मैं इधर कर लूँगा एकदम क्लियर आएगा, पर मैं अब इधर को करके मैं इधर नहीं जा सकता, ठीक है। जब हम इधर जा रहे थे तो ज़्यादा थी, और अभी जो नज़ारा ये देख सकते हो, मैं आपको बैकग्राउंड से दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब ये जो चिड़ियाँ सारी उड़ रही हैं ना, ये सारी हैं इस पेड़ पे बैठने वाली हैं, जो बड़ा देख रहे हो ना इस पेड़ पे, देखो कितना बढ़िया नज़ारा है शाम का नज़ारा। अरे वो मंदिर तो आपको दिखाया नहीं, वह आगे दिखाऊंगा, अभी वो आरती भी होगी ना, तो अभी गीता जयंती, ये कौन है ये देखो, मतलब कि ये चीज़ गलत है, ये जनता का फर्ज बनता है कि ये चीज़ ना करें। तो क्या बोले जाए, मतलब कि अभी क्या बताऊँ मैं, क्या बोल दूँ बताओ, क्योंकि इनको खिलाना नहीं पाना चाहिए, जिसकी गलती मैं एक माइनस पॉइंट बताऊँगा, पॉइंट बताऊँगा कि यहाँ पे डस्टबिन कम है, ठीक है। डस्टबिन भी इतने ज़्यादा होने चाहिए कि किसी को अगर डस्टबिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कूड़ा है वो कम हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। पर धीरे 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 जब एक बंदा डालेगा ना तो दूसरा बंदा उसको देखने लगेगा। अब काफ़ी देर तक तो मैं उसको पेपर को लेकर मैं ही घूमता रहा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब जैसे मैंने वीडियो बनानी है, मैं बिजी हूँ, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको डस्टबिन में डालूँ। और ये मैंने कहाँ से देखा, मनीष दोस्त है वो भी काफ़ी सिंसेयर है, वो अपनी चीज़ डस्टबिन में ही डालता है, बाकी जहाँ मर्जी फेंके उसको कोई नहीं पड़ता। हम कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस बात में कितना दम है लाइक करके बताना और कमेंट में बताना कि यहाँ अगर हर एक शॉप के बाहर डस्टबिन होते, जैसे अब यहाँ पे डस्टबिन है, ठीक है, और यहाँ पे डस्टबिन है, तो अगर हर एक ब्लॉक में अगर जैसे कि सपोज करो टोटल अगर देखी जाए शॉप हैगी 450, ठीक है, अच्छा 850 शॉप है, ठीक है, 850 शॉप पे अगर ये ज़्यादा नहीं तो अगर 850 शॉप पे ये 400 डस्टबिन भी रख देते ना तो आधा कूड़ा कम हो जाएगा। पर यहाँ 400 डस्टबिन नहीं है, यहाँ जोर मार के मेरे ख्याल से 200 डस्टबिन होंगे, 200 से 250 डस्टबिन, 300 डस्टबिन लगा लो, पर 800 शॉप इतनी ज़्यादा है। अब वहाँ डस्टबिन दिखाया, अब आगे वाला डस्टबिन जहाँ पे भी आएगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है, पर आगे वाला डस्टबिन बहुत दूर आएगा, मतलब कि एक शॉप पे इन्होंने कितनी दूर तक डस्टबिन रखा है पता है कि यहाँ ऑडियंस जाना, आप हर रोज़ ना रखो पर आप काफ़ी टाइम बाद रख दो, मतलब कि जैसे आज संडे है तो आज हर जगह शॉप में डस्टबिन होना चाहिए था, चाहे वो ज्वेलरी की शॉप है, चाहे वो कपड़े की शॉप है, किसी चीज़ की भी शॉप है, क्योंकि जो ऑडियंस आई हुई है वो खाते खाते चलेगी, ठीक है, अगर उसको डस्टबिन में फेंकेगा तो वो कहीं पे ही फेंक देगी, इतना सेंस सब में नहीं है। बाकी फ़र्ज बनता है खाने वाले का, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। तो अभी मैं कितनी शॉप से निकल गया, मुझे शॉप नंबर कवर करनी चाहिए थी, तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ, अब हम आ रहे हैं जहाँ पे फ्लोर पेंटिंग हुई थी वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, और वहाँ पे मैं बैग दिखाऊंगा। अब देखो, अब ये कूड़ा जो कूड़ा झाड़ू मारते हैं उन्होंने ये कूड़ा यहाँ पे कर दिया, तो क्या लगता है ये अपने आप डस्टबिन में चला जाएगा, नहीं, जिन्होंने झाड़ू मारा उनका भी फर्ज बनता है कि ये कूड़ा डस्टबिन में डाले, तो कई जगह सही है कई जगह गलत है, पर ओवरऑल गीता जयंती बढ़िया है, ठीक है, पर पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है, धीरे धीरे और सुधार आएगा। ये ई रिक्शा वाला साइड मांग रहा है इतनी भीड़ में, ठीक है। स्विमिंग बाय मनी पीछे लिखा हुआ, फोटो खींच ले लिखने के बजाय। तो फ्रेंड्स अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे फ्लोर पेंटिंग हुई है, तो चलो फ्लोर पेंटिंग दिखाता हूँ आपको। सोलर का गेट नंबर 1 है, यहाँ से एंट्री करोगे, जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको जो मिलेगी वो इधर से जाने दूंगा, आपको इधर से जाना पड़ेगा, इधर से मैं इसलिए जा रहा था क्योंकि इधर यही चीज़ होता, ठीक है। इधर से जो आपको मिलेगी ये गेट नंबर 1 नंबर एंट्री है, ठीक है, 1 नंबर गेट से आप जैसे एंट्री करोगे और लेफ्ट साइड में अगर मुड़ते हो तो 1 नंबर शॉप आती है, अगर इधर आते हो तो इधर शॉप ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये सारी शॉप्स है, ठीक है, आप भीड़ देख सकते हो, आज संडे है तो भीड़ बहुत है, ठीक है। तो ये 1 नंबर शॉप है, ठीक है, 1 नंबर शॉप से लेके ये 850 तक शॉप है, ठीक है। अभी मैं आपको फ्लोर पेंटिंग दिखाऊंगा, मैंने यहीं से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट की थी, वो मैं जब वीडियो एंड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम फ्लोर पेंटिंग दिखाने वाले हैं हम आपको, ठीक है, फ्लोर पेंटिंग अभी इन्होंने चलाई पता नहीं चलाई और चला दी इन्होंने फ्लोर पेंटिंग, ठीक है। अभी फ्लोर पेंटिंग दिखाने वाला हूं, सारी फ्लोर पेंटिंग जितनी भी ओवरऑल फ्लोर पेंटिंग है पूरी क्लियर नहीं दिखेगी क्योंकि ऑडियंस चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑडियंस आप देख सकते हो, पब्लिक चल रही है भाई, ठीक है। तो चलो फ्लोर पेंटिंग दिखाता हूँ, पेंटिंग इनकी कवर है, पूरी कवर होगी ये फ्लोर पेंटिंग, आज हम इसके ऊपर जा सकते हो, ये फ्लोर पेंटिंग देख सकते हो, अभी वो गाड़ी बैक कर रहे हैं, ये फ्लोर पेंटिंग बहुत अच्छी अच्छी फ्लोर पेंटिंग बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। ये गेट नंबर 1 है, ये आप देख सकते हो, और इधर हम अभी जो घूम के आए हैं वो सारी इधर इस साइड से आए हैं और इधर से स्टार्ट हुए थे, तो ये मैं फ्लोर पेंटिंग के बाद में ये वापस चलूँगा, उसके बाद मैं आपको सारी दिखाऊँगा,
ठीक है, फ्लोर पेंटिंग, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये फ्लोर पेंटिंग एक ये भी है जो अभी इसमें टेम्पू बैक कर रहे हैं, तो ये देख सकते हो आप फ्लोर पेंटिंग, ठीक है। ये सारी फ्लोर पेंटिंग दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें ये आप सारी फ्लोर पेंटिंग इन्होंने बड़े प्यार से बनाई थी भाई, ये कॉम्पिटिशन था, ठीक है। मुझे भाई ने कमेंट किया था फ्लोर नंबर 45 जो भी थी, ये आप देख सकते हो यहाँ फोटो सेशन। देखिए फ्लोर पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, ये कितनी अच्छी अच्छी लग रही है। यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं कि इन्हें बैठ बैठ के फोटो खींच रहे हैं, ये आप देख सकते हो। ये अभी मैं भी फ्लोर पेंटिंग में आ गया, तो ये फ्लोर पेंटिंग है, ठीक है। ये फ्लोर पेंटिंग के नाम भी मैं शो करूँगा, मेंशन कर रहा हूँ साथ में, ये देख सकते हो सात, ठीक है। ये आप सारे चेक कर सकते हो। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो आपकी कौन सी फ्लोर पेंटिंग है मुझे कमेंट कर देना, जो ये काफ़ी बढ़िया फ्लोर पेंटिंग है, ठीक है। और मुझे बताना कमेंट करके कौन सी बढ़िया लगी। ये सात नौ नंबर देख रहे हो फ्लोर पेंटिंग, ठीक है। ये फ्लोर पेंटिंग F10, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो फ्लोर पेंटिंग, ये आप चेक कर सकते हो, ये है F11, ठीक है। तो फ्रेंड्स फ्लोर पेंटिंग ये कवर हो गई है पूरी, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये चटाई है 3D में, ठीक है। ये फ्लोर पेंटिंग है 12, ठीक है। इन्होंने तो बहुत जल्दी बना दी थी, ठीक है। और ये फ्लोर पेंटिंग है 13, ठीक है। ये आप देख सकते हो, होगी भाई निकल जाओ, अरे रुक जा यार अगले लीटर यार। तो फ्रेंड्स ये है फ्लोर पेंटिंग 13, ठीक है। अभी यहाँ भीड़ बोर हो रही है, क्या करें। जो फ्लोर पेंटिंग है 13, अगर आप कमेंट में देख रहे हो ये फ्लोर पेंटिंग आपकी कौन सी है मुझे बता देना जरूर। ये 14 नंबर फ्लोर पेंटिंग 40 नंबर, ठीक है। ये 15, अभी आप गिनते रहना कौन सी है, ठीक है। और साथ के साथ फ्लोर पेंटिंग का नाम भी आता रहेगा, ठीक है। मतलब कि जो F16 है, F17 है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो, ये हाथी, ठीक है। उसके बाद फ्लोर पेंटिंग 17, ये आप चेक कर सकते हो। ये इधर से शूट लेने का फायदा है, ठीक है। ये फ्लोर पेंटिंग आप चेक कर सकते हो। तो अब फ्लोर पेंटिंग आ गई ये 18, ठीक है। 17-18 फ्लोर पेंटिंग जिसमें भगवान विष्णु जी के, कृष्ण विष्णु जी के ये सारे अवतार है, ठीक है। मैं गलत नाम लेता रहता हूँ, आप समझ लेना। तो ये लो जी, अगर आप इधर को फेस करोगे ज़्यादा बढ़िया आएगी, इधर को। ये लो जी, गीता जयंती पे आके कैसा लग रहा है आपको, बढ़िया लग रहा है। हाँ ये आज शाम कल सुबह आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो ये फ्लोर पेंटिंग आप देख सकते हो 19, अपने कमेंट करके बताना कि आप कौन सी फ्लोर पेंटिंग देख रहे हो, ठीक है। जो 19 नंबर फ्लोर पेंटिंग, हेलो यूट्यूब, ये है 20 फ्लोर पेंटिंग, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, मैं सारी फ्लोर पेंटिंग दिखाऊंगा आपको। ये फ्लोर पेंटिंग 21, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, वहाँ 21 आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एफ फ्लोर पेंटिंग 21, ठीक है। और ये फ्लोर पेंटिंग 22, ये कुछ ऐसे से दिखेगी, ये इधर से दिखेगी, ये आप देख सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग किया, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी सबसे बेस्ट लगी। ओ कैसे भैया, ये वीवो में मुझे सपोर्ट करते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो सचिन भैया का नाम है, ठीक है। और ये आप फ्लोर पेंटिंग देख सकते हो, 23 फ्लोर पेंटिंग ये वाली, ठीक है। 24 फ्लोर पेंटिंग 24 है, क्या हरकत है ये। तो फ्रेंड्स ये फ्लोर पेंटिंग थी 24, ये आप चेक कर सकते हो। ये है 25 फ्लोर पेंटिंग, ये सारी फ्लोर पेंटिंग है। एफ का मतलब फ्लोर पेंटिंग, मतलब नंबरिंग, ठीक है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो। ये फ्लोर पेंटिंग 26, ठीक है। फ्लोर पेंटिंग 27 जो अभी रहती थी वो भी कवर हो चुकी है, उनको था कि हम बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। ये फ्लोर पेंटिंग ये है 28, ऊँट 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 बना हुआ है। फ्लोर नंबर पेंटिंग 29, अगर मैं यहाँ बैठ कर फोटो खिंचवाता हूँ तो बहुत अच्छी आएगी ना। ये फ्लोर पेंटिंग 29, तो ये अभी आप चेक कर सकते हो। फ्लोर पेंटिंग आ गई 30, इसमें बने हुए हैं गुलाब नहीं, कुछ और ही फूल बने हुए हैं, फूल का नाम नहीं पता। 31 फ्लोर पेंटिंग, ठीक है फ्रेंड। और ये देख सकते हो फ्लोर पेंटिंग 32, ये 45 फ्लोर पेंटिंग है, मैं आपको बता दूँ। ये ले भाई तो ये चेक कर सकते हो, फ्लोर नंबर 33, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बनाई है। ये देखो, ये चेक करो, ये भाई ने बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है। ये भाई पैसे वीडियो में आ रखा है, कमेंट करके बताना कि आपने कौन सी बनाई है, और अपना नाम भी बताना, और फर्स्ट प्राइज किसका आएगा वो भी बताना, ठीक है। ये आप देखते हो फ्लोर पेंटिंग 34, ओ तानुस, ये फ्लोर पेंटिंग 34,
ये हिरण बनवाया था, उन्होंने बताया था इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये महात्मा बुद्ध जी को दर्शाती है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मुझे कुछ नहीं पता, ये बस बल्कि इंडिया में रहती है, बल्कि 35 फ्लोर पेंटिंग जो छोटे छोटे बच्चे खींच रहे हैं, फ्लोर पेंटिंग 36 ये आप चेक कर सकते हो, हंस बनाया हुआ काफ़ी बढ़िया, फ्लोर पेंटिंग 37 एलिफेंट फ्लोर पेंटिंग 38 नंबर फ्लोर पेंटिंग जिसमें एलिफेंट बनाया हुआ है, बहुत प्यारा और सुंदर, ठीक है। उसका फ्लोर पेंटिंग आप चेक कर सकते हो, ये फोटो में खींची जा रही है, फ्लोर पेंटिंग 39, ठीक है। ये सारी मैंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद फ्लोर पेंटिंग 40, ठीक है फ्रेंड्स, हाँ बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स 41 फ्लोर पेंटिंग, अगर मैं दूर कर देता हूँ अंधेरा हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही ज़्यादा बढ़िया आती है ना। ये आप चेक कर सकते हो फ्लोर पेंटिंग 41, ये है 40, ये फ्लोर पेंटिंग आप देख रहे हो 42 फ्लोर पेंटिंग। तो फ्रेंड्स ये अभी फोटो खिंचा रहे हैं, ये है फ्लोर पेंटिंग 42, ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी बीच में फोटो खिंचा रहे हैं, और ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है फ्लोर पेंटिंग 43, ठीक है, वाइड एंगल, ठीक है। और उसके बाद ये रही फ्लोर पेंटिंग 44, बीच में मुझे 44 वालों ने कमेंट भी किया था, 45 पता नहीं, कमेंट मुझे अब याद नहीं है, कमेंट किया था कि 43 45। फ्लोर पेंटिंग, तो फ्रेंड्स ओवरऑल फ्लोर पेंटिंग खत्म हो गई है, और उधर हरियाणवी कल्चर लगभग तैयार हो गया होगा, इधर भी आप लोग देख सकते हो, इधर कौन सा बताया था वो हो गया था। फ्लोर पेंटिंग मैंने ओवरऑल सारी दिखा दी है, एक बार मैं कोशिश करूँगी, अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बैकग्राउंड में मैं म्यूज़िक लगा दूंगा और मैं तेज़ चलूँगा और फ्लोर पेंटिंग आपको सारी दिखाऊंगा, वाइड एंगल में होगी, जिसके कारण फ्लोर पेंटिंग हल्की सी थोड़ी अंधेरे में दिखेगी। उसका रीज़न क्या रहेगा कि उसमें वाइड एंगल में पूरी फ्लोर पेंटिंग अच्छे से आ जाएगी। तो अभी 45 से लेके एक नंबर फ्लोर पेंटिंग में नॉन स्टॉप चलेंगे, ठीक है, और कोई कमेंट्री नहीं, कोशिश होगा कर दूँ पर कोई कमेंट्री नहीं, ठीक है। कमेंट में बताना कि आपने कौन सी की है और फर्स्ट प्राइज किसका था, और आपके हिसाब से आपको कौन सी अच्छी लगी। मेरे हिसाब से सारी बढ़िया ही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें, पेंटिंग हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा दूंगा। ये आप देख सकते हो 45 फ्लोर पेंटिंग आ रही है, ये आ रही है 44, मैं बता क्यों रहा हूँ, बैकग्राउंड में मैं म्यूज़िक लगाऊंगा, ठीक है, और आप देख लेना, चेक कर लो, चेक 41 तो इसके बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक लगा कितना ऑसम नजर आएगा। मुझे कौन सी बेस्ट लगी है ये मैं बताऊं कमेंट करके, कौन सा फ्रेंड्स कौन सी फ्लोर पेंटिंग आपको बेस्ट लगी मुझे कमेंट करके बताना। मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी हिरणबली, ठीक है, और ये फ्लोर पेंटिंग है 34, ठीक है, और ये भी बहुत ऑसम लगी, इसमें एक बाकी अच्छा लगा, अरे बोले बाकी मुझे कमेंट करके बताना, मुझे वो भी अच्छी लगी। और ये देख सकते हो ये फ्लोर पेंटिंग आप देख रहे हो, ये आप फ्लोर पेंटिंग, ये बड़े बड़े यूट्यूबर है, और इनका डांस का चैनल, ये इनका डांस चैनल है तनुज, और भाई का मुझे नाम नहीं पता, ठीक है, ब्रो तो ये अभी चल रहे हैं तो महंगे वो नहीं होते हैं। भाई है ये, भाई का मुझे नाम नहीं पता, और बस इनका भी चैनल है डांस की वीडियो, तनुज रुद्र के नाम से है, तनुज RODR, चेक करना, मैं तुम्हें पता इतने है त्रियोग बोले, तो इनके डांस अकेडमी है, और डांस अकेडमी कहाँ है, कहाँ है, तेरा नेक्स्ट स्टेप डांस के, नहीं इधर भी है एक जश की अकेडमी है, जश की बीटा स्टेप, हाँ मतलब यार इनके यूनिवर्सिटी वाली साइड में 3-4 अकेडमी है, ठीक है। आप तनुज का मैं नंबर नहीं मेंशन करता, टेंशन ना लो, नहीं तो ये कहाँ कहाँ मेंशन कर दिया। तो इसकी भी आपने अगर आपने वीडियो देखनी है तो बहुत अच्छी इसकी डांस की वीडियो, किसी टाइम पे मेरी भी होती थी तो चलो मिलता हूँ मैं वीडियो बना, ओके। बीच में तरुज आ गया था उसके लिए सॉरी, और वो फ्रेंड्स था काफी बढ़िया है यार, ठीक है। ये अब आगे चल रहे हैं, और अरे वाइड एंगल मैंने हटा दिया सॉरी, अब वाइड एंगल, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, अभी वाइड एंगल में चल रहे हैं, फ्लोर पेंटिंग के साथ साथ आ रही है, ठीक है, और मैं कमेंट्री कर रहा हूँ तो कमेंट्री ही चलती रहेगी, कोई पिच में कैंसिल नहीं करूंगा। और ये अब कैसे दिखाऊं उतनी भीड़ में, ओ चेक करो ये ऊंट बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये
इन्होंने भगवान कृष्ण जी बनाया, पता नहीं यार तुझे आप चल। सही बात है हाँ, पर अब किस किस को रोक सकते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो फ्लोर पेंटिंग। रिकमेंड करके बताना कि कौन सी आपको सबसे बेस्ट लगी। मैं ये दूसरी बार बोल रहा हूँ, मुझे ये भी काफ़ी अच्छी लगी, मुझे तीन चार जो है जो ज़्यादा अच्छी लगी। और ये अभी फ़ोटो खींच रहे हैं, मैं मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गए, पर मैं क्या करूँ, मेरा एंगल ही ये आ रहा है। तो ये अभी हम आगे जा रहे हैं, ये फ्लोर पेंटिंग आ गई ठीक है। और मैं अभी बताता हूँ, ये बिल्कुल टच करने वाली फ्लोर पेंटिंग जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है, सबसे बेस्ट मुझे सारी अच्छी लगी यार, सबने मेहनत की है और सभी ओवरऑल बहुत अच्छी है ठीक है। बाकी ये देख सकते हो, इसको मैं रेटिंग कम दूंगा, इसको मैं 6 रेटिंग दूंगा ठीक है। उसका मुझे नाक नहीं, ये क्या फ़ोन आ गया बीच में। अभी मैं इसको, ये आप फ्लोर पेंटिंग देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा जो मेरे दिल को छू के गई है फ्लोर पेंटिंग ठीक है। पर सारी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप किसको बोलूँ जो दिल को छू के गई है, सारी फ्लोर पेंटिंग ओवरऑल बहुत बढ़िया है ठीक है। ये ऑटो, ये भी काफ़ी बढ़िया है, ये पुराने मॉडल की, मतलब कि जो चटाई 3D में बनाई है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो अभी तो ये चल रहे हैं, ऑडियंस चल रही है यहाँ पे ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखोगे ये 3D लगती है पूरी, जैसे बाहर है ठीक है। अभी मैं चला जाऊँगा आगे, तो ये पेंटिंग भी अच्छी लगी ठीक है। इसमें शेर एटीट्यूड ही अलग है भाई शेर का ठीक है। ये आप पूरी फ्लोर पेंटिंग, फुल फ्लोर पेंटिंग, ये इनकी ड्यूटी है ठीक है। तो पूरी फ्लोर पेंटिंग, सर कैसा लग रहा है आपको ही तेजती में? तो ये पूरी फ्लोर पेंटिंग आप देख रहे हो, और मुझे बताना कौन सी सबसे बेस्ट है ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, ये भी अच्छी थी, मुझे ये फ्लोर पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, मैं कह रही हूँ कलर ज़्यादा अच्छा, कलर टोन बहुत अच्छी लगी ठीक है। बाकी बहुत अच्छी, मतलब कि अगर 10 में 10 नंबर इसको, ये बहुत अच्छी लगी। और ये भी काफ़ी अच्छी है, इस पेंटिंग का सबसे बेस्ट मुझे हाथी लगा ठीक है। इस हाथी की बहुत बढ़िया लगा ये हाथी, ये भी फ्लोर पेंटिंग बढ़िया है। अभी फ़िलहाल मेरे दिल को छू गई है कछुए वाली सबसे बेस्ट लगी है ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, हंसों का जोड़ा, ये भी काफ़ी बढ़िया है, पर मुझे कछुए वाली सबसे बेस्ट नहीं भाई। तो ये आप चेक कर सकते हो, आगे जा रहे हैं हिरन, ये पहाड़ आ रहे हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया फ्लोर पेंटिंग है। अभी आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो, आप वही चैनल हो स्विमिंग बाय वन्नी। हाँ मैं वही चैनल, मैं चैनल नहीं हूँ, मेरा चैनल है। मैंने देखी थी आपकी वीडियो। तो मेरी वीडियो इसने, इस लड़की ने भी देखी थी, और देखी पता नहीं कितनी जनती की जब बोल की। तो थैंक यू इनका भी, और जिन्होंने मेरी वीडियो देखते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो मैंने फ्लोर पेंटिंग की सारी दिखा दी है, आपको कौन सी लगी मुझे बताना बेस्ट करके। और मैंने जो कश्मीर वाली देखी थी उसका नंबरिंग मैं भूल गया कौन सा नंबर था। और अब हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टार्ट की थी, यहाँ से स्टार्ट की थी, वहाँ पे हम एंड करेंगे। और आई होप कि आपको गीता जयंती में, आज बहुत भीड़ थी, आज बनानी काफ़ी मुश्किल थी, पर आज की वीडियो बहुत लंबी होगी, कुछ नहीं कर सकते थे, लंबी होनी थी, भीड़ बहुत थी भाई। मेरा रिप्लाई दे रहा है, अगर मैं भी रिप्लाई दूँ, हाँ भाई क्या करें, थक गए, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो कुछ कर नहीं सकते तो क्या कर सकते। तो आप बैक कैमरे से ही दिखा देता हूँ, ब्रह्मसोर के बीच भगवान की फोटो बनाई हुई है। हाँ तो नोस किया है, तो हाँ साइड में वो चले जी, फ्लोर पेंटिंग का नाम भी बोल दे, जो बीच का रास्ता है, और वहाँ पर भगवान की फोटो बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स ये चक्कर सकते हो, यहाँ मंदिर है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ऑसम ऑसम। अभी नहीं यार चक्कर लो, ऑसम, सारे जने फोटो में खिंचा रहे हैं, अपे हैं गरीब जो फोटो में नहीं खिंचा पाते ठीक है। ये आप देख सकते हो मेला, जहर वाला मेला एकदम, आओ एंजॉय करो गीता जयंती ठीक है। और काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेला, और काफ़ी जने एंजॉय कर रहे हैं ठीक है। और ये कई यहाँ खड़े होकर नज़ारे ले रहे हैं। अभी मैंने कहाँ तक, ओवरऑल मैंने एक पूरा राउंड कम्प्लीट किया है ठीक है, राउंड कम्प्लीट किया जो भी किया है ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जो आप देख सकते हो ये भीड़ है। अभी हम पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं, मंदिर का पुल है ये ठीक है। अभी जो चिंटू का यहाँ प्रैक्टिस करता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको ठीक है। चिंटू करता है यहाँ प्रैक्टिस, और यहाँ पे फिशिज फ्रेंड देख लो, फिशिज, ये आप मछलियाँ देख रहे हो फ्रेंड्स, मछलियाँ। और यहाँ चिंटू प्रैक्टिस करता है मछलियों के बीच में, वो भी एक मछली है ठीक है। अभी आप मैं इसको नॉर्मल कंटेंट पर रखते हैं ठीक है फ्रेंड्स, ये आप चेक कर सकते हो। ओहो ऐसे कैसे चला गया। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो भीड़ कितनी है मेले की ठीक है। हमने स्टार्ट किया था उस थड़े से, वो थड़े से ना हमने स्टार्ट किया था, उस थड़े पे हम ख़त्म करेंगे ठीक है। अब हम आगे दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स क्या लगता है,
वो भी ब्रह्मसोप्र दिखा दिया, प्रदर्शनी है ब्रह्मसोप्र। तो फ्रेंड्स नज़ारा देख सकते हो एक बार। सो यार ये ना मतलब कि अगर मैं अभी मैं क्या कुछ अलग करूँगा देखना, अभी मैं फोटो खींचने वाला कोई नहीं है तो अभी भाई बैक कैमरा चल रहा भाई उधर देख रहे हैं। तो बस ये सीन है कुछ ऐसा, ठीक है भाई आ रहा है। तो यहाँ नीचे लाइट लगी हुई है, ये लाइट लगी हुई है, ये लाइट लगी हुई जो अपने फेस को रेड रेड कर रही है। मैं कौन हूँ? तो फ्रेंड्स गीता जयंती में ये सारी भीड़ है, तो अभी बैकग्राउंड में ये देख सकते हो, बैकग्राउंड में पूरी भीड़ है, ये आप देख कर सकते हो। ये मैं मंदिर के पुल पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये मंदिर है इस साइड, तो अब हम आगे जा रहे हैं मंदिर की साइड भी थोड़ा टूर कर, हम मंदिर की साइड थोड़े जा रहे हैं और थोड़ा मंदिर की साइड दिखा रहे हैं। तो ये मंदिर है और इसको वाइड एंगल में दिखाता हूँ। ए चक्को वाइड एंगल, वाइड एंगल सही नहीं लग रहा, नॉर्मल एंगल ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और ये मंदिर है, यहाँ पे आओ आप, मत्था टेको फिर अपनी शुरू करो, ठीक है। इधर अगर आपने लेटिंग करनी है और कैसा भाई? आज दुकान पे निकल गया है? दुकान पे निकलेगा? नहीं भाई, दुकान पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो दुकान पे मेरा मेन काम यही है, दुकान पे मैं लेट ही जाता हूँ। मैं YouTube रोज़ YouTube पे गिरता हूँ भाई, मैं रोज़ ही गिरता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मंदिर देख सकते हो, ठीक है। ये जब शाम का टाइम होता है ना, आप उधर बैठ के यहाँ से शूट करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने फोटो शूट करना है तो बहुत अच्छा लगता है। और मंदिर के अंदर का भी नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको, मैं खुद अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो ये आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ अंदर से। यहाँ फिशेस को आटा डालने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। और ये आप दिखा सकते हो, मैं मंदिर आपको ये देख सकते हो। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पर अंदर जाने के लिए मेरा कैमरा काफ़ी है, ठीक है, भगवान की दया से। या अरे फोकस हिट गया यार, आ चक्को फोकस। यहाँ पे ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग अभी यहाँ श्रद्धालु मत्था टेक रहे हैं, ठीक है, तो आप भी मत्था टेक लो, ठीक है। इधर से एंट्री होती है और इधर से मत्था टेक के आप निकल सकते हो, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे होती है आरती, ये आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पे होती है आरती, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो चीज सीन दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप फिशी को आटा डाल सकते हो, यहाँ पे बहुत फिश होती हैं, ठीक है। अभी अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे बहुत फिश होती हैं, यहाँ पे आटा डाल सकते हो अंधेरे को, बल्कि फिश को शनिवार के आके कई डालते हैं और हम वहाँ स्विमिंग करते हैं। शाम को बैठ के मज़ा आता है ना, जो डांसू वाला, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन लाइट देख रहे हो, ये एंट्री गेट है, वहाँ पिंक लाइट लगी हुई है और वहाँ ग्रीन लगी हुई है, ये एंट्री गेट है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और ये एंगल हटा के, ये एंगल सबसे बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे होती है आरती, ठीक है, जो कि मैंने आपको कल भी दिखाया था। तो यहाँ को ब्रह्म सरोवर की आरती होती है, ठीक है। और ये मंदिर आप देख सकते हो, ठीक है। और ये आया हुआ है और मेरे टी शर्ट पे पड़ रहा है ये, हाँ, तो मैंने इसको भी दिखा दिया, ठीक है। ये सारे घूमने आया हुआ है और अब आप भीड़ देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो मंदिर के चारों तरफ हम घूमते हैं, जैसे कि अब मैं मंदिर के इस साइड जा रहा हूँ, इस साइड भी काफ़ी जने फोटो खिंचाने वाले होते हैं श्रद्धालु, ठीक है, जो मंदिर के पास फोटो खिंचाते हैं, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी जने फोटो खिंचा रहे हैं, कई जने ये फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है। तो ये भाई भी फोटो खिंचा रहा है और ये फोटो खिंचाने के लिए ये अभी एक्शन कर रहे हैं ये एक्शन कर रहे हैं। ये मंदिर के आप इस साइड से बाहर निकलोगे और ये मंदिर इधर से आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अभी ये आप सारी देख रहे हो, ये अभी फ़ोटो खींचने के लिए कुछ एक्शन ऐसा बना रहे हैं कि हाँ भी हमें एक्शन करेगा। जो 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 आंटी जी बुला रहे हैं इतनी शिद्दत से तो कैमरे में ले ही लेते हैं। ए ए ए ये ए जबरदस्ती ए है, हाय कर दो बेटा, हाय कर दो, फिर हाय कर दो, ये लो बना रहे हैं जी। तो ये आप चेक कर डाल ले कुछ बढ़िया सा भाई, बस हम डाल रहे हैं। किसी की अनबॉक्सिंग करी, किसी की करी? मैंने वीवो वाई 19 की अनबॉक्सिंग की हुई है, उसका कंपैरिजन किया हुआ है काफ़ी सेटों के साथ, किया हुआ है। अभी ओप्पो के नहीं, सैमसंग के A30s के साथ करना है। हाँ हाँ जरूर। तो ये देख सकते हो आप, ओ भाई मुझे ही देख रहा है ये भाई को मैंने अभी बीच में लेके आया था, ये मेरे पीछे आ गया तो ये भाई अपन जानते हैं, ठीक है, ये इधर देख सकते हो, ये सारे अपन जानते हैं। तो ये छोटा सा बेबी है जिसको जबरदस्ती ले जा रहा था, आए कर दो, आए कर दो। तो वो बेचारी डरा दी, जबरदस्ती डरवा दी। तो भैया जी आगे बीच में, ये
मेरा काफ़ी साथ देते हैं। बालाजी शॉप पे है ये, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। और ये आप चेक कर सकते हो ये मंदिर, ठीक है। तो जब हम वीडियो बनाते हैं, ओ चक एक बार फिर से ये जैना चबाज, अभी तो तू फोटो से आ जाएगा। हेलो हेलो मिलाओ। तो देखो यार ऐसा है, अब ये धक्के मार रहे हैं, बाई चांस मेरा फ़ोन गिर के टूट जाता है, पर इनका मजाक हो जाएगा। और मेरी 30-35 हज़ार की स्क्रीन भाई, 30-35 हज़ार की डिस्प्ले ही है इसकी। कोई ना नवा दे देंगे दे दो, ऐसे ही दे दो। गांधी ग्रुप, गांधी ग्रुप। तो फ्रेंड्स अभी हम आगे जा रहे हैं, ये आगे तो फ्रेंड्स ये कर रहे हैं मस्ती, मस्ती होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, ओ चलते रहो चलते रहो। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैंने मंदिर कवर कर लिया है। ये जी यूट्यूब पे वीडियो आनी है, सारी की सारी वीडियो यूट्यूब पे आनी है। अच्छा, जो बच्चे अर्ज कर रहे हैं, हाँ ये सारी यूट्यूब पे आएगी। और ये कल सुबह तक या आज रात को, पर ये कल सुबह या कल दोपहर तक आएगी वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी एडिटिंग काम करने में टाइम लगता है। कोशिश है कि सुबह तक आ जाए, पर दोपहर भी हो सकती है। तो हाँ तो फ्रेंड्स, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि आज संडे है, तो आज मैं रात को लाइव आऊँगा। रात को सारी डिटेल बताएंगे, एडिटिंग हो जाएगी मेरी वीडियो की, तब मैं लाइव आऊँगा संडे को। ये भाई भी आ गए। ओके तो अब हम आगे जाएंगे जहाँ पे हमने वीडियो फिनिशिंग करनी है, जहाँ पे हमने स्टार्ट की थी। ओवरऑल मैंने गीता जयंती का संडे आपको पूरा घुमा दिया, कितनी भीड़ है सारी दिखा दी आप बैकग्राउंड से, आप देख सकते हो जी बैक कैमरा है, ठीक है। और भीड़ बहुत है, सारे जने आया, यहाँ काफ़ी पब्लिक है। अगर एस्टिमेट लगाए तो ये 1 लाख से ऊपर ही होगी, 1-1.5 लाख के आसपास होगी, ठीक है। और ये सारा सरोवर बड़ा हुआ, 3 किलोमीटर में आप देख सकते हो कितनी ऑडियंस आ सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो इधर भी फोटो सेशन हो रहा है, काफ़ी जने फोटो खिंचाते हैं, ठीक है। और बस सारे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे जाएंगे, तो चलो आगे जाएं। ये भाई भी हमारी वीडियो देखते हैं रात को यूट्यूब पे, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो होती है, तो काफ़ी बढ़िया है यार, काफ़ी जने वीडियो देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, और चेक कर सकते हो यहाँ पे ड्यूटियाँ हैं कईयों की, और आप चेक कर सकते हो मेले में अभी भी भीड़ खचा खची है। और मैं आया था यहाँ 2 बजे, ठीक है। और अभी मुझे ये नहीं पता कि मोबाइल की बैटरी कितनी। ओ चक्को पे, ओ चक्को भाई मार रहा है, पकड़ ली। और एक बार ये फिर जाएगी ऊपर, और ये ऊपर जाएगी, और ये अरे रुक जा, ये करके दिखाओ इस पर फोकस करके दिखाओ। ये देखो चेक करो, मतलब कि मेले के खिलौने बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए ये मेले के खिलौने हैं, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, और खिलते हुए चेहरे थोड़ा ढीला करके इसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। ओ एकदम जहर वाला। तो फ्रेंड्स ये हम अब आगे जा रहे हैं, और भीड़ कितनी आप चेक कर सकते हो, और कौन कैसे दिख रहा है मुझे नहीं पता। बस अब तो हम आगे जा रहे हैं, ये भाई ऊपर देख के जा रहा था, ठीक है। तो अब हम आगे जा रहे हैं, अगर किसी का कुछ घूम होता है वो 1 नंबर स्टॉल पे सूचना कर सकता है, ठीक है। और ये हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं हम आगे। ये बच्चे घूम रहे हैं छोटे छोटे, जहर पीछे से जैसे आग मारते नाले कैमरा घूम जाता है। और ये हम आगे जा रहे हैं, अब बैक कैमरे चल रहा है। ओ शुक्रिया भाई, हैं कितने सब्सक्राइबर? 500 भाई, सही यार लगा रहा हूँ, बल्कि उसके आगे 0 भी है भाई, 50,000 सब्सक्राइबर हम यहाँ। कहाँ से? यही से, यही से। वैसे यहाँ इतना यूट्यूबर का क्रिएटर भाई अपनी, शुक्रिया भाई, अपनी वीडियो 400 में वॉच होती है, मतलब अपनी वीडियो 400 में वॉच होती है यार। तो फ्रेंड्स हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और आगे ही जा रहे हैं हम आगे जा रहे हैं और आगे ही जा रहे हैं आगे जा रहे हैं। ओ ये भाई एक नहीं दिखाई, मैं भी बजा के देखूंगा। तो फ्रेंड्स मैं खरीद नहीं रहा हूँ, भाई किधर जा रहा है? ये भाई से मैंने उधारा लिया बजाने के लिए, ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, क्या लगता है? और एक कमेंट करके बताओ, ये कैसे ऐसे कैसे, अब तो मैंने ले लिया चिंटू के लिए, ले जाता हूँ, दिया खुश हो जाएगी।
और चिंटू का बेचारे का मूड खराब हो गया। ये लो भाई 10 रुपये ले रहे, 40 रुपये ले रहे हैं। वीडियो बना ली मैंने, वीडियो बना ली, अब तो दे दे उसका देख ले भाई, झूठ बोल रहा है तो 2 रुपये बचते हैं। 20 का ले लेना, 20 रुपये दिए हैं मैंने लेने के। हाँ मैंने ये ले लिया, 20 रुपये दे लिया, अब दिया और चिंटू खुश हो जाएगा, दे दोनों के लिए एक ही है। अब दिया को यही दूंगा और चिंटू को बोल दूंगा, जब दिया को बोल दूंगा चिंटू को यही देगा, दोनों आपस में भी जाते रहेंगे। बढ़िया है, चलाते होनी चाहिए बीच में, पर मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ एक और जना होता ना तो उसको कहता ये बजाता रहे, वो बजाता रहता। लाइक कर दो कैसा लग रहा है, दो पीपड़ियाँ ही है एक साथ, पर वो शादी पे गया हुआ है, अगर वो आया होता तो बात अलग होती। 20 रुपये का वो बजाएगी, कांडा बजाएगी ऐसे। तो इधर इधर आप देख सकते हो रजत खड़ा हुआ है, ये आनंद जमातिया, ये यहाँ के सर है, सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनकी ड्यूटी लगी रहती है, ठीक है, और सपोर्ट करते हैं, चाहे मैंने स्विमिंग करनी हो, चाहे बच्चों को स्विमिंग करानी हो, तो पूरी सपोर्ट रहती है, ऐसे नहीं कि सपोर्ट नहीं करते, इनकी पूरी सपोर्ट रहती है। ये आनंद जमातिया पैनल, ठीक है, ये आप देख सकते हो आनंद जमातिया, वो रजत, और यहाँ पे मेरा पड़ा है बैग, ठीक है, ये बैग पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम वीडियो का एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहाँ हम करेंगे एंड, और वीडियो आई थिंक 1.5 घंटे की होगी, शायद 1.5 घंटे से भी ज़्यादा होगी, शायद उससे कम होगी, क्योंकि 10 मिनट तो मुझे वो खाने में लग गए थे। और बस पूरी ब्रह्मा सरोवर की गीता जयंती में मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा, 2 ऐड में लगी, एक तो जो मैंने वो खाया वो बढ़िया लगा, और एक मुझे वो 3D प्रिंटिंग बढ़िया लगी। बाकी आपको क्या लगा मुझे कमेंट में बताना कि सबसे बेस्ट क्या लगा। आरती के टाइम आ गया, गुरुकुल की आरती हो रही है, वो आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वैसे मैंने पहले भी दिखा दी है। ये आरती हो रही है, ठीक है, ये गुरुकुल के बच्चे, ये सारे के सारे गुरुकुल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको दूसरे एंगल से भी दिखाएं। तो फ्रेंड्स ये हर रोज आरती करते हैं और डेली रेगुलर, ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ हर रोज आरती होती है, हर रोज मतलब हर रोज शाम को हर रोज आरती होती है यहाँ पे, ठीक है। और अगर एंगल की बात की जाए तो मेरे जितना बढ़िया एंगल कौन ले लेगा, सही लग रहा है एंगल, तो अब थोड़ा जूम किया जाए, गुरुकुल के बच्चे हैं, ये गुरुकुल में यहाँ पे पढ़ाया जाता है, वहीं पे ये रहते हैं, और इनका रहता है टाइमिंग कि सुबह उठते हैं ये 5 बजे बिस्तरे के बाद, बस बिस्तरा सुबह 5 बजे छोड़ देना, खुश करो उसके बाद, ठीक है, सारे मतलब कि इनके गुरुकुल के बच्चे हैं, ठीक है। अब जो फोटो खींचेगा ये भी काफ़ी बढ़िया, ठीक है, ये आरती हो रही है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं तो फ्रेंड्स ये हो रही है आरती, मैं आपको इस थड़े से दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा अगर मैं इस थड़े से दिखाऊंगा। अब जब हम कल सुबह चले थे, जब सुबह चले थे आपने टाइम देखा क्या है, और अब टाइम क्या हो गया, कंटिन्यू मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, और फ़ोन तो मैं चार्ज करके लेके आया था, अभी भीड़ चेक कर सकते हो, अभी भी खचाखच बढ़ी हुई है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो, ये फैमिली फोटो खिंचानी आती है, एक याद बन जाती है, ठीक है। अभी जो मैं आपको आरती दिखाने वाला हूँ ब्रह्म सरोवर की, वो यहाँ से दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये आप चेक कर सकते हो, ये आरती हो चुकी है, ठीक है, ये हर संडे बल्कि हर डेली ये आरती करने आते हैं, और बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, काफ़ी बढ़िया संस्कार रहते हैं बच्चे गुरुकुल में,
काफ़ी बढ़िया रहता है। ठीक है, अभी शाम का टाइम है, कितना औसम ले आ रहा है ये आप चेक कर सकते हो, कितना औसम ले आ रहा है यहाँ पे। ये भाई कर रहा है शूट, ठीक है, भाई का फोकस देखते हैं कैसा रहता है। ओ यार ये देखो, तो ये भाई खींच रहा है फोटो कैमरे से DSLR से, और मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ कैप्चर हो जाए, इसकी डिस्प्ले नहीं हो पा रही, ये साइड में से है, तो क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, वो एकदम क्लियर दिख रही है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं साइड में से फोकस कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये भाई काफ़ी अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, हाँ भाई ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी फ़ोटो खींच रहे हैं, हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो आरती हो रही है, गुरुकुल के बच्चे आरती कर रहे हैं, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि गुरुकुल के आप जो बच्चे आरती करते हैं वो कवर कर लेना, वो मैंने पहली वीडियो में कवर कर ली, तो इस वीडियो में वो कवर हो रही है। ठीक है, आई होप कि आपको बढ़िया रहे, आज का डे आपको बढ़िया रहा होगा, और मैंने कोशिश किया ओवरऑल गीता जयंती पूरी कवर करने की, थक गया यार, लाइक कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है, देखने को कुछ नहीं लगता, अभी मैंने आधा काम किया है, वीडियो बनाई है, अभी सभी वीडियो को नाम देने हैं, डे मतलब कि पार्ट वन, फिर पार्ट टू, D1, D2, ऐसे ये कम से कम नहीं तो 50 से ऊपर पार्ट बनाए होते, शॉर्ट ले होते छोटे छोटे, दो दो ढाई ढाई मिनट के, बाई चांस के एक शॉर्ट में गाना चलाता तो या तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ या उसको कट करके उसके बैकग्राउंड में अनाउंस देता हूँ। तो ये अभी स्कूल है, ये पीछे स्कूल जा रहा है, ठीक है, ये स्कूल है, आप चेक कर सकते हो, स्कूल भी आया, वैसे संडे को स्कूल नहीं आते क्योंकि संडे को भीड़ बहुत होती है। ठीक है, और बस ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि आपको अपना बेस्ट कंटेंट दे सकूं और बेस्ट आपको वीडियो दे सकूं, और बस काफ़ी मस्ती भी की हमने, अब सही काफ़ी मस्ती भी की, और मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर लेना। आज की गीता जयंती काफ़ी बढ़िया रही है, और आपने क्या गीता जयंती से खरीदा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ है बोलने के लिए नहीं, बाकी मैंने सबका नाम ले दिया था और जो कमेंट थे वो पूरे मैंने कवर कर दिए, और कल हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाऊंगा मैं कि हमारा एक तो वो लाइटिंग शो कवर हो चुका है पूरा, कल उसका टेस्टिंग की वीडियो बनाएंगे, वो टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर टाइम से बना सके तो, उसके बाद हरियाणा दीवार कितना बन चुका है, कितना रहता है वो, उसके बाद अभी रजत है उसके साथ थोड़ी देर घूम लेंगे, और टाइम क्या हुआ मुझे पता नहीं, टाइम पूछते किसी को भैया टाइम क्या हुआ है, टाइम मैं मोबाइल पे भी देख सकता हूँ पर वीडियो चल रही है क्यों डिस्टर्ब करना, 6:10 हुए अभी मेरे पास टाइम है, मैं 5-10 मिनट घूम के उसके बाद 7 बजे दुकान पे शॉप पे पहुँच के, पर मुझे वीडियो सिर्फ यही एडिटिंग करनी है, आज सुख ये है, और मैं शॉप पे पहुँच के ये वीडियो डाल के इसको एडिटिंग करूँगा और फिर लाइव आऊँगा, जब ये एडिटिंग करूँगा पहले इसके पार्ट निकाल के लैपटॉप में डालूँगा, जब मैं वो पार्ट एडिटिंग कर रहा हूँगा तो मैं लाइव आऊँगा, साथ के साथ कमेंट भी दूँगा, अगर आपने लाइव देखा होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जब ये निकाल लिया तो हर संडे मैं लाइव आता हूँ इस चैनल पे शाम को 5, 5:30, 6:30 हर संडे, चाहे वो गर्मी है चाहे वो सर्दी है चाहे ऑफ सीजन है वो सीजन है, हर संडे इस चैनल पे मैं लाइव आता हूँ, चाहे वो 10 मिनट के लिए है, मिनिमम 10 मिनट के लिए तो आते ही आता हूँ, केवल घंटा भी हो जाता है एक। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी कल Day 10 गीता जयंती का, तो आज के लिए इतना काफी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो मेरे से मुझे माफ़ कर देना, और बस आज की इतनी काफ़ी है, और आरती हो रही है, चलो एक बार आरती आपको करवा दी आरती, और मैं आरती के एकदम पास ले जाऊंगा, आप भी कर लेना ऐसे ही वीडियो में मतलब कि कर लेना तो आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आरती ले रहे हैं, ठीक है, तो अब आपकी बारी है, आप भी आरती लेना ना, आरती ले लेना सारे जने, ठीक है, ये आरती हो रही है इसका, ओहो धक्के मारे इनको, आग लगी हुई है, बताओ आरती लेने आराम से ले लो, कोई चक्कर बात नहीं, वो यहीं पे है। ठीक है, ये आरती आप भी ले लेना, मैं आपको एकदम अच्छे से दिखाऊंगा, लो जी लो लो आराम से, और कोई है ले लो, हम आपको भी आरती दिखाऊंगे, एकदम आराम से लेना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपने। ठीक है, ये आप आरती देख सकते हो, ब्रह्मस्वरूप के आरती होने के बाद आप आरती ले सकते हो, और वीडियो में आनंद उठाओ आरती का, तो ये फोटो आपकी आई नहीं, आप दूर थे, एक सेकंड, ये आरती आ गई, ये कह रहे थे मेरी फोटो नहीं आई, तो इनकी आ रही, तो इनकी फोटो आ गई, तो इन्होंने कैसी लगी पहले ये बताओ, पर गीता जयंती आपको कैसी लगी, बहुत अच्छी, मजा आ गया, वी आर फीलिंग टोटली ब्लेस्ड कि हमें ये मौका मिला।
इसमें क्लियर सुन लो, इसको पकड़ लो, ये माइक है। ओके हाँ जी, तो कैसी लगी आरती आपको? इट वॉज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यहाँ के बहुत मजा आ रहा है, मतलब घर लौटने का मन ही नहीं कर रहा, और आरती लेने के बाद तो ऐसा फील हो रहा है जैसे वी आर टोटली ब्लेस्ड, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जिनका एक्सपीरियंस नहीं है तो आई विश कि सब आए यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैम का क्या एक्सपीरियंस, ओवरऑल आरती बहुत बढ़िया रहती है और मैम ने अपना ओपिनियन दिया बहुत अच्छा अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। लेके फ्रेश हो गए हैं हम लोग, काफी अच्छा लग रहा है, ऐसे आरती ली, ऐसे लग रहा है जैसे काफी बोझ उतर गया होता, थकावट उतर गई, एक राउंड और ब्रह्मसरों का मार के आए, और काफी मेहनत होगी पूरी सफल, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी जनों को बहुत अच्छा लगा गीता जयंती पे आके, और अभी मैम ने जो अपना ओपिनियन दिया वो भी काफी बढ़िया रहा उनका, कि हाँ उनका जाने का मन नहीं करता, हाँ ब्रह्मसरों पे आने के बाद जाने का मन नहीं करता, मैं यहाँ 3 बजे का आया हूँ, वैसे ये 2 है, अब 3:45 बजे आया था मैं, तो काफ़ी मज़ा आता है ब्रह्मसरों पे आके, पर जब बाहर निकलते ठंड लगती है, तो रजाई रजू लेके आना, मतलब अपने स्वेटर स्वेटर लेके आना, बाद में बैग में डाल लेना, बाद में आप डाल लेना जब बाहर निकलोगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, और नेक्स्ट संडे मिलेंगे, नेक्स्ट संडे बोल दिया, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डे 10 में गीता जयंती का मेला कुरुक्षेत्र हरियाणा इंडिया, तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। वीडियो एंड किया था पर मैं अभी घूम रहा था, मेडल जीत लिया, ये घर जाके चिंटू के लिए, चिंटू खुश, साथ में रजत दुखी, कर नहीं पाया रजत ने अभी, किया ही नहीं, कर नहीं पाया इसने अभी, ट्राई नहीं किया, तो बस ये यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हो, ये माइंड के लिए काफ़ी तेज रहती है, कौन सी जब आ रही है, अगर गलत बटन हुआ तो तुरंत, तो अभी मैं बहुत करूँगा, पर अभी उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ऐसे इन्जॉय करते हुए थोड़ी मस्ती में डाल दिए। छोटा सा पप्पी है जो, जब मैंने वीडियो खत्म कर दी थी गीता जयंती की, तो मैं लाइव आया था, तब जब फोटो खींचते समय वीडियो बन गई थी, मैंने वीडियो अपलोड कर दी, बहुत प्यारा पप्पी था, इसका नाम क्या था मैं भूल गया, और ये मेरा स्विमिंग बाय मनी चैनल, ये टेक्निकल लवली मनी चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, थैंक यू वॉच द वीडियो।